की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए हैं थे, उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहां पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उनके में बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों पर। नीरज नीरज मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते, यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी, क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है? सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है जो विधायक भी है। इसी तरह अम्बेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले दद्दन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था, अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं। इसी तरह अगर गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था जो हार गए थे, अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभासपा के लिए छोड़ी जा सकती है, जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है तो ये पूरी टीम जो बनेगी मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर मंथन कर रही है, अब बात करते हैं उन सीटों की जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी को यहां 19 सीट मिली थी जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चार चार सीटों पर जीत दर्ज की थी। और टिकट बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिली है उसके मुताबिक
बीजेपी यहां बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 7 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिल सकता है। 7 ऐसे सांसद हैं। देखिए, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस इलाके में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यहां नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। आरएलडी से बातचीत भी उसका एक सिरा है। किन किन सीटों पर नया प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है, इससे मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला नाम है 73 साल के जनरल वीके सिंह का, जो गाजियाबाद से सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और बीजेपी इस बार इस सीट पर किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। पश्चिमी यूपी की एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, जहां से 73 साल के चंद्र सिंह जादौन सांसद है, इनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी यहां से राज्यसभा सांसद अनिल जैन को भी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिन्हें इस बार टिकट मिलने पर सस्पेंस है, हालांकि संघ के करीबी हैं, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस सीट से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बदायूं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। अगर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो बागी हुई तो उन्हें बदला जा सकता है। हालांकि आजकल वो कोई बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है। इसी सीट से हरीश शाक्य और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। पश्चिमी यूपी की हाथरस भी एक ऐसी सीट है, जहां से राजवीर दिलेर का नाम टिकट पर, उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि बीजेपी इस बार 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट नहीं देंगी। इसी तरह बरेली की सीट है, जहां से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार इस सीट से 8 बार के सांसद हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि हेमा मालिनी और संतोष गंगवार के उम्र को नजरअंदाज भी किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। चलिए, कह रहा है ये पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। देखिए, यह सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए और टिकाऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। देखिए, पश्चिमी यूपी के बाद अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की, जहां लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार इस इलाके से 20 सीट जीती थी। यहां भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। अवध में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर, अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक 3 सांसदों का टिकट अवध क्षेत्र में कट सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखिए, सवाल यह कि ये 3 सांसद कौन कौन से हैं और क्यों इनका टिकट काटने की चर्चा चल रही है, अब मैं उसे आपको विस्तार से बताता हूं। जरा समझिए, इसमें सबसे पहला नाम सत्यदेव पचौरी का है, जो कानपुर से सांसद हैं। इनकी उम्र 76 साल है और पक्की खबर यही है कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी। दूसरी सीट बहराइच है, जहां से अक्षयवर लाल बीजेपी के सांसद हैं। इनकी उम्र 77 साल है और मेरे पास पक्की खबर है कि इन्हें भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस सीट से विधायक सरोज सोनकर को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अवध की तीसरी सीट बाराबंकी है, जहां से उपेंद्र सिंह रावत सांसद है। इस सीट से प्रियंका रावत फिर से चुनाव में टिकट मांग रही है, जो 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी। या फिर अंतिम समय में उपेंद्र सिंह रावत के नाम पर ही मुहर भी लग सकती है, यह भी संभावना है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं, जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे। देखिए, बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं।
2014 के मुकाबले बीजेपी को इस क्षेत्र में 2019 में 4 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह कि जो एनडीए में शामिल तीनों दल हैं वो इसी क्षेत्र में सियासी रूप से पहचाने जाते हैं, मजबूत भी हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की सुभासपा है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देता हूं। एक और बड़ी खबर पूर्वांचल में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं जो कि मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ये 4 सीट कौन सी है, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहला नाम प्रयागराज का है, यहां से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी सांसद है। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट काटा जा सकता है। चर्चा है कि कौशाम्बी सीट से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को इस सीट मिलाकर चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी उनकी सीट बदली भी जा सकती है। भदोही में 2019 में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार उनकी जगह किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह बलिया सीट है जहां से वीरेंद्र मस्त बीजेपी के सांसद हैं, इनकी सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं, भारतीय जनता पार्टी योग्यता से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काटने का सवाल नहीं है, नए चेहरों को युवा शक्ति को सामने लाने की युवा शक्ति आती ही होती है। देखिए मैंने आपको अब तक यूपी के 3 क्षेत्रों के बारे में बताया जहां बीजेपी बड़े पैमाने पर सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। हालांकि चौथा रीजन जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है वहां से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देता हूं कि बुंदेलखंड में टिकट बंटवारे पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि बुंदेलखंड में सांसदों के टिकट कटने को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि किसी का टिकट नहीं कटेगा। बुंदेलखंड में 4 सीटें आती हैं लोकसभा की और जो खबर मिल रही है कि इन 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है, यानी दोबारा से इनको टिकट दिया जाएगा, यानी बुंदेलखंड में अभी किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यूपी में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो देश भर में चर्चित हुए, अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे सांसदों का क्या करेगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का है जो कैसरगंज से सांसद है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी इन्हें फिर से टिकट देने की तैयारी में है। इसी तरह अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें भी पार्टी 2024 के चुनाव में खीरी सीट से टिकट देने की तैयारी कर रही है, यह खबर पक्की है। बीजेपी के कुछ और सांसद भी ऐसे हैं जो भले ही 70 साल के आसपास हो गए हैं लेकिन उन्हें बीजेपी दोबारा टिकट दे सकती है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट मुमकिन है, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को फिर से टिकट मिल सकता है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिल सकता है, अकबरपुर से भोले सिंह को भी टिकट मिलने की पूरी पूरी संभावना है, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, रमापति राम त्रिपाठी को फिर टिकट मिल सकता है देवरिया से, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है, और सलेमपुर से रविंद्र को फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। यह वो नाम है जिनको लेकर तरह तरह की चर्चा, अकबरपुर से भोले सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है कि पार्टी इन सभी सांसदों को दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है ये नेता उस लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। इसमें कई नेताओं की उम्र भले ही 70 साल के आसपास हो लेकिन इनके मामले में पार्टी रियायत दे सकती है। हालांकि इस कैटेगरी में आने वाले कई सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट भी सकता है। कि 70 की उम्र पार कर चुके कई ऐसे सांसदों के टिकट कटेंगे जो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, इनकी जगह ताज़ा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, ऐसे चेहरे जो जिताऊ हों और जिनकी अपने लोकसभा क्षेत्र में अच्छी ख्याति हो। ऐसी कम से कम 2 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां
मौजूदा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यूपी में बीजेपी के दो नेता ऐसे भी हैं जिन पर हर चुनाव में सबकी नजर रहती है। इनमें एक है वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं और दूसरी मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं। जहां तक इन दोनों के बारे में मुझे पता चला है तो अब तक इन दोनों को लेकर पार्टी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है, यानी उन्हें टिकट दिया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है, यह पूरा का पूरा केंद्रीय हाईकमान तय करेगा। बीजेपी अगर यूपी में अपने सांसदों का टिकट काटेगी तो इसके पीछे कई चीजें होंगी। हाल ही में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई जिलों में पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा जैसा हाईकमान को उम्मीद थी। अब जब लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने की बारी आएगी तो खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के सांसदों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, या जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 40-50% है या 50-50% जो है वो नए चेहरे होंगे और 50% चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। देखिए 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को यूपी में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब कोशिश यही है कि उस नुकसान की सबसे पहले भरपाई की जाए, और जिस तरह उत्तर भारत के दूसरे कई राज्यों में पार्टी क्लीन स्वीप करती है उसी तर्ज पर राज्य उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया जाए। यही वजह है कि एक एक सीट पर पूरी ताकत के साथ रणनीति तैयार हो रही है और प्रत्याशी के चयन में कोई समझौता नहीं किया जा रहा। बात करते हैं बीजेपी के टिकट वाले मंथन की। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है उत्तर प्रदेश में, और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी में कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है। जी नीरज। जी बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटने की और नए कैंडिडेट्स देने की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए थे उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहाँ पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकंबेंसी को देखते हुए उनके में बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों वाला। नीरज, नीरज मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते हैं यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है।
नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है, जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है, जो विधायक भी है। इसी तरह अंबेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले दद्दन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी। इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं, जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था, अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं। इसी तरह अगर गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था, जो हार गए थे, अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभासपा के लिए छोड़ी जा सकती है, जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है, तो ये पूरी टीम जो बनेगी, मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की, वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको, या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की, उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए, ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर मंथन कर रही है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी को यहां 19 सीट मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चार चार सीटों पर जीत दर्ज की थी। और टिकट बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिली है, उसके मुताबिक बीजेपी यहां बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 7 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिल सकता है। 7 ऐसे सांसद हैं। देखिए, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस इलाके में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यहां नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। आरएलडी से बातचीत भी उसका एक सिरा है। किन किन सीटों पर नया प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है, इससे मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला नाम है 73 साल के जनरल वीके सिंह का, जो गाजियाबाद से सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और बीजेपी इस बार इस सीट पर किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। पश्चिमी यूपी की एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, जहां से 73 साल के चंद्र सिंह जादौन सांसद हैं, इनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी यहां से राज्यसभा सांसद अनिल जैन को भी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिन्हें इस बार टिकट मिलने पर सस्पेंस है, हालांकि संघ के करीबी हैं, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस सीट से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बदायूं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। अगर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो बागी हुई तो उन्हें बदला जा सकता है, हालांकि आजकल वो कोई बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है। इसी सीट से
हरीश शाक्य और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। पश्चिमी यूपी के हाथरस भी एक ऐसी सीट है जहां से राजवीर दिलेर का नाम टिकट पर उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि बीजेपी इस बार 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट नहीं देंगी। इसी तरह बरेली की सीट है जहां से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार इस सीट से 8 बार के सांसद हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि हेमा मालिनी और संतोष गंगवार के उम्र को नजरअंदाज भी किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। चलिए कह रहा है ये पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। देखिए ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए और टिकाऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। देखिए पश्चिमी यूपी के बाद अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की, जहां लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार इस इलाके से 20 सीट जीती थी। यहां भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सांसदों का टिकट काटा जा सकता है और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। अवध में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर, अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक 3 सांसदों का टिकट अवध क्षेत्र में कट सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखिए सवाल यह कि ये 3 सांसद कौन कौन से हैं और क्यों इनका टिकट काटने की चर्चा चल रही है, अब मैं उसे आपको विस्तार से बताता हूं, जरा समझिए। इसमें सबसे पहला नाम सत्यदेव पचौरी का है जो कानपुर से सांसद है। इनकी उम्र 76 साल है और पक्की खबर यही है कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी। दूसरी सीट बहराइच है जहां से अक्षयवर लाल बीजेपी के सांसद हैं। इनकी उम्र 77 साल है और मेरे पास पक्की खबर है कि इन्हें भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस सीट से विधायक सरोज सोनकर को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अवध की तीसरी सीट बाराबंकी है जहां से उपेंद्र सिंह रावत सांसद है। इस सीट से प्रियंका रावत फिर से चुनाव में टिकट मांग रही है जो 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी। या फिर अंतिम समय में उपेंद्र सिंह रावत के नाम पर ही मुहर भी लग सकती है, यह भी संभावना है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे। देखिए बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 के मुकाबले बीजेपी को इस क्षेत्र में 2019 में 4 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह कि जो एनडीए में शामिल 3 दल हैं वो इसी क्षेत्र में सियासी रूप से पहचाने जाते हैं, मजबूत भी हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की सुभासपा है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देता हूं। एक और बड़ी खबर पूर्वांचल में टिकट बंटवारे पर, इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं जो कि मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ये 4 सीट कौन सी है, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहला नाम प्रयागराज का है, यहां से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी सांसद है। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट काटा जा सकता है। चर्चा है कि कौशाम्बी सीट से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को इस सीट मिलाकर चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी उनकी सीट बदली भी जा सकती है। भदोही में 2019 में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार उनकी जगह किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह बलिया सीट है जहां से वीरेंद्र मस्त बीजेपी के सांसद हैं। इनकी सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं, भारतीय जनता पार्टी योग्यता से भारतीय जनता पार्टी
क्षेत्र में काटने का सवाल नहीं है, नए चेहरों को युवा शक्ति को सामने लाने की युवा शक्ति आती ही रहती है। देखिए मैंने आपको अब तक यूपी के 3 क्षेत्रों के बारे में बताया जहां बीजेपी बड़े पैमाने पर सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। हालांकि चौथा रीजन जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है वहां से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देता हूं कि बुंदेलखंड में टिकट बंटवारे पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि बुंदेलखंड में सांसदों के टिकट कटने को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि किसी का टिकट नहीं कटेगा। बुंदेलखंड में 4 सीटें आती हैं लोकसभा की और जो खबर मिल रही है कि इन चारों सांसदों को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है, यानी दोबारा से इनको टिकट दिया जाएगा, यानी बुंदेलखंड में अभी किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यूपी में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो देश भर में चर्चित हुए। अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे सांसदों का क्या करेगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का है जो कैसरगंज से सांसद है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी ने फिर से टिकट देने की तैयारी में है। इसी तरह अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें भी पार्टी 2024 के चुनाव में खीरी सीट से टिकट देने की तैयारी कर रही है, यह खबर पक्की है। बीजेपी के कुछ और सांसद भी ऐसे हैं जो भले ही 70 साल के आसपास हो गए हैं लेकिन उन्हें बीजेपी दोबारा टिकट दे सकती है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट मुमकिन है, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को फिर से टिकट मिल सकता है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिल सकता है, अकबरपुर से भोले सिंह को भी टिकट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, रमापति राम त्रिपाठी को फिर टिकट मिल सकता है देवरिया से, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है, और सलेमपुर से रविंद्र को फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। यह वो नाम है जिनको लेकर तरह तरह की चर्चा, अकबरपुर से भोले सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है कि पार्टी इन सभी सांसदों को दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है ये नेता उस लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। इसमें कई नेताओं की उम्र भले ही 70 साल के आसपास हो लेकिन इनके मामले में पार्टी रियायत दे सकती है। हालांकि इस कैटेगरी में आने वाले कई सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट भी सकता है। कि 70 की उम्र पार कर चुके कई ऐसे सांसदों के टिकट कटेंगे जो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, इनकी जगह ताज़ा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, ऐसे चेहरे जो जिताऊ हों और जिनकी अपने लोकसभा क्षेत्र में अच्छी ख्याति हो। ऐसी कम से कम 2 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यूपी में बीजेपी के 2 नेता ऐसे भी हैं जिन पर हर चुनाव में सबकी नजर रहती है। इनमें एक है वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं और दूसरी मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं। जहां तक इन दोनों के बारे में मुझे पता चला है तो अब तक इन दोनों को लेकर पार्टी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है, यानी उन्हें टिकट दिया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है, यह पूरा का पूरा केंद्रीय हाईकमान तय करेगा। बीजेपी अगर यूपी में अपने सांसदों का टिकट काटेगी तो इसके पीछे कई चीजें होंगी। हाल ही में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई जिलों में पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा जैसा हाईकमान को उम्मीद थी। अब जब लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने की बारी आएगी तो खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के सांसदों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं या जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 40-50% है या 50-50% जो है वो नए चेहरे होंगे और 50% चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। देखिए 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को यूपी में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था, अब कोशिश यही है कि उस नुकसान की सबसे पहले भरपाई की जाए। और जिस तरह उत्तर
भारत के दूसरे कई राज्यों में पार्टी क्लीन स्वीप करती है, उसी तर्ज पर राज्य उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया जाए। यही वजह है कि एक एक सीट पर पूरी ताकत के साथ रणनीति तैयार हो रही है और प्रत्याशी के चयन में कोई समझौता नहीं किया जा रहा। बात करते हैं बीजेपी के टिकट वाले मंथन की। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है उत्तर प्रदेश में, और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी में कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है। जी नीरज। जी बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटने की और नए कैंडिडेट्स देने की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए थे, उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहाँ पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उनके में बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों वाला। नीरज मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी, क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है? सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही है। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है जो विधायक भी है। इसी तरह अम्बेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले ददन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था, अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं। इसी तरह अगर
गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था जो हार गए थे, अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभासपा के लिए छोड़ी जा सकती है, जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है तो ये पूरी टीम जो बनेगी मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर मंथन कर रही है, अब बात करते हैं उन सीटों की जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी को यहां 19 सीट मिली थी जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चार चार सीटों पर जीत दर्ज की थी। और टिकट बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिली है उसके मुताबिक बीजेपी यहां बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 7 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिल सकता है, 7 ऐसे सांसद हैं। देखिए 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस इलाके में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यहां नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। आरएलडी से बातचीत भी उसका एक सिरा है। किन किन सीटों पर नया प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है इससे मैं अब आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहला नाम है 73 साल के जनरल वीके सिंह का, जो गाजियाबाद से सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और बीजेपी इस बार इस सीट पर किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। पश्चिमी यूपी की एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, जहां से 73 साल के चंद्र सिंह जादौन सांसद है, इनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी यहां से राज्यसभा सांसद अनिल जैन को भी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिन्हें इस बार टिकट मिलने पर सस्पेंस है, हालांकि संघ के करीबी हैं, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस सीट से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बदायूं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। अगर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो बागी हुई तो उन्हें बदला जा सकता है, हालांकि आजकल वो कोई बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है। इसी सीट से हरीश शाक्य और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। पश्चिमी यूपी के हाथरस भी एक ऐसी सीट है जहां से राजवीर दिलेर का नाम टिकट पर, उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि बीजेपी इस बार 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट नहीं देंगी। इसी तरह बरेली की सीट है जहां से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार इस सीट से 8 बार के सांसद हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि हेमा मालिनी और संतोष गंगवार के उम्र को नजरअंदाज भी किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। ये कह रहा है कि पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, देखिए ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए और टिकाऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। देखिए पश्चिमी यूपी के बाद अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की, जहां लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार इस इलाके से 20 सीट जीती थी। यहां भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। अवध में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर, अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक 3 सांसदों का टिकट अवध क्षेत्र में कट सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखिए सवाल यह कि ये 3 सांसद कौन कौन से हैं और क्यों इनका टिकट काटने की चर्चा चल रही है, अब मैं उसे आपको विस्तार से बताता हूं। जरा समझिए,
इसमें सबसे पहला नाम सत्यदेव पचौरी का है जो कानपुर से सांसद हैं। इनकी उम्र 76 साल है और पक्की खबर यही है कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी। दूसरी सीट बहराइच है जहां से अक्षयवर लाल बीजेपी के सांसद हैं। इनकी उम्र 77 साल है और मेरे पास पक्की खबर है कि इन्हें भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस सीट से विधायक सरोज सोनकर को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अवध की तीसरी सीट बाराबंकी है जहां से उपेंद्र सिंह रावत सांसद है। इस सीट से प्रियंका रावत फिर से चुनाव में टिकट मांग रही है जो 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी। या फिर अंतिम समय में उपेंद्र सिंह रावत के नाम पर ही मुहर भी लग सकती है, यह भी संभावना है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे। देखिए बात करते हैं पूर्वांचल की जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 के मुकाबले बीजेपी को इस क्षेत्र में 2019 में 4 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह कि जो एनडीए में शामिल तीनों दल हैं वो इसी क्षेत्र में सियासी रूप से पहचाने जाते हैं, मजबूत भी हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की सुभासपा है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देता हूं। एक और बड़ी खबर पूर्वांचल में टिकट बंटवारे पर, इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं जो कि मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ये 4 सीट कौन सी है, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहला नाम प्रयागराज का है, यहां से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी सांसद है। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट काटा जा सकता है। चर्चा है कि कौशाम्बी सीट से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को इस सीट में लाकर चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी उनकी सीट बदली भी जा सकती है। भदोही में 2019 में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार उनकी जगह किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह बलिया सीट है जहां से वीरेंद्र मस्त बीजेपी के सांसद हैं। इनकी सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं, भारतीय जनता पार्टी योग्यता से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काटने का सवाल नहीं है, नए चेहरों को युवा शक्ति को सामने लाने की युवा शक्ति आती ही होती है। देखिए मैंने आपको अब तक यूपी के 3 क्षेत्रों के बारे में बताया जहां बीजेपी बड़े पैमाने पर सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। हालांकि चौथा रीजन जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, वहां से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देता हूं कि बुंदेलखंड में टिकट बंटवारे पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि बुंदेलखंड में सांसदों के टिकट कटने को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि किसी का टिकट नहीं कटेगा। बुंदेलखंड में 4 सीटें आती हैं लोकसभा की और जो खबर मिल रही है कि इन 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है, यानी दोबारा से इनको टिकट दिया जाएगा, यानी बुंदेलखंड में अभी किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यूपी में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो देश भर में चर्चित हुए, अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे सांसदों का क्या करेगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का है जो कैसरगंज से सांसद है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी ने फिर से टिकट देने की तैयारी में है। इसी तरह अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें भी पार्टी 2024 के चुनाव में खीरी सीट से टिकट देने की तैयारी कर रही है, यह खबर पक्की है। बीजेपी के कुछ और सांसद भी ऐसे हैं जो भले ही 70 साल के आसपास हो गए हैं लेकिन उन्हें बीजेपी दोबारा टिकट दे सकती है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट मुमकिन है, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को फिर से टिकट मिल सकता है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिल सकता है,
अकबरपुर से भोले सिंह को भी टिकट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। रमापति राम त्रिपाठी को फिर टिकट मिल सकता है देवरिया से, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। और सलेमपुर से रविंद्र को फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। यह वो नाम है जिनको लेकर तरह तरह की चर्चा। अकबरपुर से भोले सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है कि पार्टी इन सभी सांसदों को दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है। यानी जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है, ये नेता उस लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। इसमें कई नेताओं की उम्र भले ही 70 साल के आसपास हो, लेकिन इनके मामले में पार्टी रियायत दे सकती है। हालांकि इस कैटेगरी में आने वाले कई सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट भी सकता है। कि 70 की उम्र पार कर चुके कई ऐसे सांसदों के टिकट कटेंगे जो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। इनकी जगह ताज़ा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, ऐसे चेहरे जो जिताऊ हों और जिनकी अपने लोकसभा क्षेत्र में अच्छी ख्याति हो। ऐसी कम से कम 2 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यूपी में बीजेपी के 2 नेता ऐसे भी हैं जिन पर हर चुनाव में सबकी नजर रहती है। इनमें एक है वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं और दूसरी मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं। जहां तक इन दोनों के बारे में मुझे पता चला है तो अब तक इन दोनों को लेकर पार्टी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। यानी उन्हें टिकट दिया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है, यह पूरा का पूरा केंद्रीय हाईकमान तय करेगा। बीजेपी अगर यूपी में अपने सांसदों का टिकट काटेगी तो इसके पीछे कई चीजें होंगी। हाल ही में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई जिलों में पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा जैसा हाईकमान को उम्मीद थी। अब जब लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने की बारी आएगी तो खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के सांसदों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, या जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 40-50% है या 50-50% जो है वो नए चेहरे होंगे और 50% चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। देखिए, 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को यूपी में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब कोशिश यही है कि उस नुकसान की सबसे पहले भरपाई की जाए। और जिस तरह उत्तर भारत के दूसरे कई राज्यों में पार्टी क्लीन स्वीप करती है, उसी तर्ज पर राज्य उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया जाए। यही वजह है कि एक एक सीट पर पूरी ताकत के साथ रणनीति तैयार हो रही है और प्रत्याशी के चयन में कोई समझौता नहीं किया जा रहा। बात करते हैं बीजेपी के टिकट वाले मंथन की। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है उत्तर प्रदेश में। और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी में कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है। जी नीरज,
जी बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटने की और नए कैंडिडेट्स देने की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए थे उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहाँ पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उनके में बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों वाला। नीरज, नीरज मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं हैं। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही है। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है जो विधायक भी है। इसी तरह अम्बेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले ददन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था, अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं। इसी तरह अगर गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था जो हार गए थे, अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभासपा के लिए छोड़ी जा सकती है जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है तो ये पूरी टीम जो बनेगी मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर मंथन कर रही है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी को यहां 19 सीट मिली थी जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चार चार सीटों पर जीत दर्ज की थी।
और टिकट बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिली है उसके मुताबिक बीजेपी यहां बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 7 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिल सकता है, 7 ऐसे सांसद हैं। देखिए 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस इलाके में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यहां नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है, आरएलडी से बातचीत भी उसका एक सिरा है। किन किन सीटों पर नया प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है इससे मैं अब आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहला नाम है 73 साल के जनरल वीके सिंह का, जो गाजियाबाद से सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, और बीजेपी इस बार इस सीट पर किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। पश्चिमी यूपी की एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, जहां से 73 साल के चंद्र सिंह जादौन सांसद है, इनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी यहां से राज्यसभा सांसद अनिल जैन को भी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिन्हें इस बार टिकट मिलने पर सस्पेंस है, हालांकि संघ के करीबी हैं, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस सीट से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बदायूं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। अगर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो बागी हुई तो उन्हें बदला जा सकता है, हालांकि आजकल वो कोई बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है। इसी सीट से हरीश शाक्य और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। पश्चिमी यूपी के हाथरस भी एक ऐसी सीट है जहां से राजवीर दिलेर का नाम टिकट पर, उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि बीजेपी इस बार 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट नहीं देंगी। इसी तरह बरेली की सीट है जहां से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार इस सीट से 8 बार के सांसद हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि हेमा मालिनी और संतोष गंगवार के उम्र को नजरअंदाज भी किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। चलिए कह रहा है ये पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। देखिए ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। देखिए पश्चिमी यूपी के बाद अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की, जहां लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार इस इलाके से 20 सीट जीती थी। यहां भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सांसदों का टिकट काटा जा सकता है, और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। अवध में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर, अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक 3 सांसदों का टिकट अवध क्षेत्र में कट सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखिए सवाल यह कि ये 3 सांसद कौन कौन से हैं और क्यों इनका टिकट काटने की चर्चा चल रही है, अब मैं उसे आपको विस्तार से बताता हूं, जरा समझिए। इसमें सबसे पहला नाम सत्यदेव पचौरी का है, जो कानपुर से सांसद है, इनकी उम्र 76 साल है, और पक्की खबर यही है कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी। दूसरी सीट बहराइच है, जहां से अक्षय वर लाल बीजेपी के सांसद हैं, इनकी उम्र 77 साल है, और मेरे पास पक्की खबर है कि इन्हें भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस सीट से विधायक सरोज सोनकर को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अवध की तीसरी सीट बाराबंकी है, जहां से उपेंद्र सिंह रावत सांसद है, इस सीट से प्रियंका रावत फिर से चुनाव में टिकट मांग रही है, जो 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी, या फिर अंतिम समय में उपेंद्र सिंह रावत के नाम पर ही मुहर भी लग सकती है, यह भी संभावना है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे।
देखिए बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 के मुकाबले बीजेपी को इस क्षेत्र में 2019 में 4 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह कि जो एनडीए में शामिल तीनों दल हैं वो इसी क्षेत्र में सियासी रूप से पहचाने जाते हैं, मजबूत भी हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की सुभासपा है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देता हूं। एक और बड़ी खबर पूर्वांचल में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं जो कि मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ये 4 सीट कौन सी है, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहला नाम प्रयागराज का है, यहां से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी सांसद है। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट काटा जा सकता है। चर्चा है कि कौशाम्बी सीट से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को इस सीट में लाकर चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी उनकी सीट बदली भी जा सकती है। भदोही में 2019 में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार उनकी जगह किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह बलिया सीट है जहां से वीरेंद्र मस्त बीजेपी के सांसद हैं, इनकी सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं, भारतीय जनता पार्टी योग्यता से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काटने का सवाल नहीं है, नए चेहरों को युवा शक्ति को सामने लाने की युवा शक्ति आती ही होती है। देखिए मैंने आपको अब तक यूपी के 3 क्षेत्रों के बारे में बताया जहां बीजेपी बड़े पैमाने पर सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। हालांकि चौथा रीजन जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, वहां से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देता हूं कि बुंदेलखंड में टिकट बंटवारे पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि बुंदेलखंड में सांसदों के टिकट कटने को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि किसी का टिकट नहीं कटेगा। बुंदेलखंड में 4 सीटें आती हैं लोकसभा की और जो खबर मिल रही है कि इन 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है, यानी दोबारा से इनको टिकट दिया जाएगा, यानी बुंदेलखंड में अभी किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यूपी में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो देश भर में चर्चित हुए, अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे सांसदों का क्या करेगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का है जो कैसरगंज से सांसद है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी ने फिर से टिकट देने की तैयारी में है। इसी तरह अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें भी पार्टी 2024 के चुनाव में खीरी सीट से टिकट देने की तैयारी कर रही है, यह खबर पक्की है। बीजेपी के कुछ और सांसद भी ऐसे हैं जो भले ही 70 साल के आसपास हो गए हैं लेकिन उन्हें बीजेपी दोबारा टिकट दे सकती है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट मुमकिन है, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को फिर से टिकट मिल सकता है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिल सकता है, अकबरपुर से भोले सिंह को भी टिकट मिलने की पूरी संभावना है, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, रमापति राम त्रिपाठी को फिर टिकट मिल सकता है देवरिया से, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है, और सलेमपुर से रविंद्र को फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। यह वो नाम है जिनको लेकर तरह तरह की चर्चा, अकबरपुर से भोले सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है कि पार्टी इन सभी सांसदों को दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है ये नेता उस लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। इसमें कई नेताओं की उम्र भले ही 70 साल के आसपास हो लेकिन इनके मामले में पार्टी रियायत दे सकती है। हालांकि इस कैटेगरी में आने वाले कई सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट भी सकता है। कि 70 की उम्र पार कर चुके कई ऐसे सांसदों के टिकट कटेंगे जो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, इनकी जगह ताज़ा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, ऐसे चेहरे जो जिताऊ हों और जिनकी अपने लोकसभा क्षेत्र में अच्छी ख्याति हो। ऐसी कम से कम
दो दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यूपी में बीजेपी के दो नेता ऐसे भी हैं जिन पर हर चुनाव में सबकी नजर रहती है। इनमें एक है वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं और दूसरी मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं। जहां तक इन दोनों के बारे में मुझे पता चला है तो अब तक इन दोनों को लेकर पार्टी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है, यानी उन्हें टिकट दिया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है, यह पूरा का पूरा केंद्रीय हाईकमान तय करेगा। बीजेपी अगर यूपी में अपने सांसदों का टिकट काटेगी तो इसके पीछे कई चीजें होंगी। हाल ही में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई जिलों में पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा जैसा हाईकमान को उम्मीद थी। अब जब लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने की बारी आएगी तो खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के सांसदों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, या जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 40-50% है या 50-50% जो है वो नए चेहरे होंगे और 50% चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। देखिए 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को यूपी में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब कोशिश यही है कि उस नुकसान की सबसे पहले भरपाई की जाए, और जिस तरह उत्तर भारत के दूसरे कई राज्यों में पार्टी क्लीन स्वीप करती है उसी तर्ज पर राज्य उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया जाए। यही वजह है कि एक एक सीट पर पूरी ताकत के साथ रणनीति तैयार हो रही है और प्रत्याशी के चयन में कोई समझौता नहीं किया जा रहा। बात करते हैं बीजेपी के टिकट वाले मंथन की। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है उत्तर प्रदेश में, और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी में कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है जी। नीरज जी, बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटने की और नए कैंडिडेट्स देने की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए थे उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहाँ पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उनके उनमें बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों वाला। नीरज नीरज, मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते, यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर
भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है, जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव हो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है, जो विधायक भी है। इसी तरह अम्बेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले ददन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं, जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था, अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं। इसी तरह अगर गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था, जो हार गए थे, अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभासपा के लिए छोड़ी जा सकती है, जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है, तो ये पूरी टीम जो बनेगी, मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की, वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको, या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की, उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए, ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर मंथन कर रही है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी को यहां 19 सीट मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चार चार सीटों पर जीत दर्ज की थी। और टिकट बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिली है, उसके मुताबिक बीजेपी यहां बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 7 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिल सकता है। 7 ऐसे सांसद हैं। देखिए, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस इलाके में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यहां नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। आरएलडी से बातचीत भी उसका एक सिरा है। किन किन सीटों पर नया प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है, इससे मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला नाम है 73 साल के जनरल वीके सिंह का, जो गाजियाबाद से सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और बीजेपी इस बार इस सीट पर किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। पश्चिमी यूपी की एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, जहां से 73 साल के चंद्र सिंह जादौन सांसद हैं, इनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी यहां से राज्यसभा सांसद अनिल जैन को भी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिन्हें इस बार टिकट मिलने पर सस्पेंस है, हालांकि संघ के करीबी हैं, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस सीट से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बदायूं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। अगर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है,
वो बागी हुई तो उन्हें बदला जा सकता है। हालांकि आजकल वो कोई बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है। इसी सीट से हरीश शाक्य और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। पश्चिमी यूपी के हाथरस भी एक ऐसी सीट है जहां से राजवीर दिलेर का नाम टिकट पर उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि बीजेपी इस बार 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट नहीं देंगी। इसी तरह बरेली की सीट है जहां से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार इस सीट से 8 बार के सांसद हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि हेमा मालिनी और संतोष गंगवार के उम्र को नजरअंदाज भी किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। चलिए कह रहा है ये पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। देखिए ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए और टिकाऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। देखिए पश्चिमी यूपी के बाद अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की, जहां लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार इस इलाके से 20 सीट जीती थी। यहां भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। अवध में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर, अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक 3 सांसदों का टिकट अवध क्षेत्र में कट सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब ये सवाल यह कि ये 3 सांसद कौन कौन से हैं और क्यों इनका टिकट काटने की चर्चा चल रही है, अब मैं उसे आपको विस्तार से बताता हूं। जरा समझिए, इसमें सबसे पहला नाम सत्यदेव पचौरी का है जो कानपुर से सांसद है। इनकी उम्र 76 साल है और पक्की खबर यही है कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी। दूसरी सीट बहराइच है जहां से अक्षय वर लाल बीजेपी के सांसद हैं। इनकी उम्र 77 साल है और मेरे पास पक्की खबर है कि इन्हें भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस सीट से विधायक सरोज सोनकर को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अवध की तीसरी सीट बाराबंकी है जहां से उपेंद्र सिंह रावत सांसद है। इस सीट से प्रियंका रावत फिर से चुनाव में टिकट मांग रही है जो 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी। या फिर अंतिम समय में उपेंद्र सिंह रावत के नाम पर ही मुहर भी लग सकती है, यह भी संभावना है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे। देखिए बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 के मुकाबले बीजेपी को इस क्षेत्र में 2019 में 4 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह कि जो एनडीए में शामिल 3 दल हैं वो इसी क्षेत्र में सियासी रूप से पहचाने जाते हैं, मजबूत भी हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की सुभासपा है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देता हूं। एक और बड़ी खबर पूर्वांचल में टिकट बंटवारे पर, इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं जो कि मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ये 4 सीट कौन सी है, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहला नाम प्रयागराज का है, यहां से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी सांसद है। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट काटा जा सकता है। चर्चा है कि कौशाम्बी सीट से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को इस सीट मिलाकर चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी उनकी सीट बदली भी जा सकती है। भदोही में 2019 में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार उनकी जगह किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह बलिया सीट है जहां से वीरेंद्र मस्त बीजेपी के सांसद हैं। इनकी सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। देखिए
भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं, भारतीय जनता पार्टी योग्यता पे भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काटने का सवाल नहीं है, नए चेहरों को युवा शक्ति को शामिल लाने की युवा शक्ति आती ही रहती है। देखिए मैंने आपको अब तक यूपी के 3 क्षेत्रों के बारे में बताया जहां बीजेपी बड़े पैमाने पर सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। हालांकि चौथा रीजन जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, वहां से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देता हूं कि बुंदेलखंड में टिकट बंटवारे पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि बुंदेलखंड में सांसदों के टिकट कटने को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि किसी का टिकट नहीं कटेगा। बुंदेलखंड में 4 सीटें आती हैं लोकसभा की और जो खबर मिल रही है कि इन 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है, यानी दोबारा से इनको टिकट दिया जाएगा, यानी बुंदेलखंड में अभी किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यूपी में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो देश भर में चर्चित हुए। अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे सांसदों का क्या करे, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का है जो कैसरगंज से सांसद है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी इन्हें फिर से टिकट देने की तैयारी में है। इसी तरह अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें भी पार्टी 2024 के चुनाव में खीरी सीट से टिकट देने की तैयारी कर रही है, यह खबर पक्की है। बीजेपी के कुछ और सांसद भी ऐसे हैं जो भले ही 70 साल के आसपास हो गए हैं लेकिन उन्हें बीजेपी दोबारा टिकट दे सकती है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट मुमकिन है, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को फिर से टिकट मिल सकता है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिल सकता है, अकबरपुर से भोले सिंह को भी टिकट मिलने की पूरी संभावना है। यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, रमापति राम त्रिपाठी को फिर टिकट मिल सकता है देवरिया से, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है, और सलेमपुर से रविंद्र को फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। यह वो नाम है जिनको लेकर तरह तरह की चर्चा, अकबरपुर से भोले सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है कि पार्टी इन सभी सांसदों को दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है ये नेता उस लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। इसमें कई नेताओं की उम्र भले ही 70 साल के आसपास हो लेकिन इनके मामले में पार्टी रियायत दे सकती है। हालांकि इस कैटेगरी में आने वाले कई सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट भी सकता है। कि 70 की उम्र पार कर चुके कई ऐसे सांसदों के टिकट कटेंगे जो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, इनकी जगह ताज़ा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, ऐसे चेहरे जो जिताऊ हों और जिनकी अपने लोकसभा क्षेत्र में अच्छी ख्याति हो। ऐसी कम से कम 2 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यूपी में बीजेपी के 2 नेता ऐसे भी हैं जिन पर हर चुनाव में सबकी नजर रहती है। इनमें एक है वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं और दूसरी मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं। जहां तक इन दोनों के बारे में मुझे पता चला है तो अब तक इन दोनों को लेकर पार्टी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है, यानी उन्हें टिकट दिया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है, यह पूरा का पूरा केंद्रीय हाईकमान तय करेगा। बीजेपी अगर यूपी में अपने सांसदों का टिकट काटेगी तो इसके पीछे कई चीजें होंगी। हाल ही में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई जिलों में पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा जैसा हाईकमान को उम्मीद थी। अब जब लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने की बारी आएगी तो खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के सांसदों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, या जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 40-50% है या 50-50% जो है वो नए चेहरे होंगे और 50% चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। देखिए 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को यूपी में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था
अब कोशिश यही है कि उस नुकसान की सबसे पहले भरपाई की जाए। और जिस तरह उत्तर भारत के दूसरे कई राज्यों में पार्टी क्लीन स्वीप करती है, उसी तर्ज पर राज उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया जाए। यही वजह है कि एक एक सीट पर पूरी ताकत के साथ रणनीति तैयार हो रही है और प्रत्याशी के चयन में कोई समझौता नहीं किया जा रहा। बात करते हैं बीजेपी के टिकट वाले मंथन की। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है उत्तर प्रदेश में। और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी में कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है। जी नीरज। जी बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटने की और नए कैंडिडेट्स देने की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए थे, उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहाँ पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उनके में बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों वाला। नीरज नीरज मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी, क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है? सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है, जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है, जो विधायक भी है। इसी तरह अम्बेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले दद्दन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं, जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था,
अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं। इसी तरह अगर गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था जो हार गए थे, अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभासपा के लिए छोड़ी जा सकती है, जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है तो ये पूरी टीम जो बनेगी मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर मंथन कर रही है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी को यहां 19 सीट मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चार चार सीटों पर जीत दर्ज की थी। और टिकट बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिली है उसके मुताबिक बीजेपी यहां बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 7 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिल सकता है, 7 ऐसे सांसद हैं। देखिए 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस इलाके में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यहां नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। आरएलडी से बातचीत भी उसका एक सिरा है। किन किन सीटों पर नया प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है इससे मैं अब आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहला नाम है 73 साल के जनरल वीके सिंह का, जो गाजियाबाद से सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और बीजेपी इस बार इस सीट पर किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। पश्चिमी यूपी की एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, जहां से 73 साल के चंद्र सिंह जादौन सांसद हैं, इनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी यहां से राज्यसभा सांसद अनिल जैन को भी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिन्हें इस बार टिकट मिलने पर सस्पेंस है, हालांकि संघ के करीबी हैं, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस सीट से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बदायूं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। अगर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो बागी हुई तो उन्हें बदला जा सकता है, हालांकि आजकल वो कोई बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है। इसी सीट से हरीश शाक्य और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। पश्चिमी यूपी की हाथरस भी एक ऐसी सीट है जहां से राजवीर दिलेर का नाम टिकट पर उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि बीजेपी इस बार 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट नहीं देंगी। इसी तरह बरेली की सीट है जहां से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार इस सीट से 8 बार के सांसद हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि हेमा मालिनी और संतोष गंगवार के उम्र को नजरअंदाज भी किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। चलिए कह रहा है ये पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, देखिए ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए और टिकाऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। देखिए पश्चिमी यूपी के बाद अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की, जहां लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार इस इलाके से 20 सीट जीती थी। यहां भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। अवध में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर, अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक 3 सांसदों का टिकट अवध क्षेत्र में कट सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए।
अब देखिए सवाल यह कि ये तीन सांसद कौन कौन से हैं और क्यों इनका टिकट काटने की चर्चा चल रही है, अब मैं उसे आपको विस्तार से बताता हूं, जरा समझिए। इसमें सबसे पहला नाम सत्यदेव पचौरी का है जो कानपुर से सांसद हैं, इनकी उम्र 76 साल है और पक्की खबर यही है कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी। दूसरी सीट बहराइच है जहां से अक्षय वर लाल बीजेपी के सांसद हैं, इनकी उम्र 77 साल है और मेरे पास पक्की खबर है कि इन्हें भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस सीट से विधायक सरोज सोनकर को चुनाव लड़वाया जा सकता है और अवध की तीसरी सीट बाराबंकी है जहां से उपेंद्र सिंह रावत सांसद है। इस सीट से प्रियंका रावत फिर से चुनाव में टिकट मांग रही है जो 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी, या फिर अंतिम समय में उपेंद्र सिंह रावत के नाम पर ही मुहर भी लग सकती है, यह भी संभावना है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे। देखिए बात करते हैं पूर्वांचल की जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं, 2014 के मुकाबले बीजेपी को इस क्षेत्र में 2019 में 4 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह कि जो एनडीए में शामिल तीनों दल हैं वो इसी क्षेत्र में सियासी रूप से पहचाने जाते हैं, मजबूत भी हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की सुभासपा है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देता हूं। एक और बड़ी खबर पूर्वांचल में टिकट बंटवारे पर, इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं जो कि मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ये 4 सीट कौन सी है, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहला नाम प्रयागराज का है, यहां से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी सांसद है। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट काटा जा सकता है। चर्चा है कि कौशाम्बी सीट से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को इस सीट में लाकर चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी उनकी सीट बदली भी जा सकती है। भदोही में 2019 में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार उनकी जगह किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह बलिया सीट है जहां से वीरेंद्र मस्त बीजेपी के सांसद हैं, इनकी सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं, भारतीय जनता पार्टी योग्यता से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काटने का सवाल नहीं है, नए चेहरों को युवा शक्ति को सामने लाने की युवा शक्ति आती ही होती है। देखिए मैंने आपको अब तक यूपी के 3 क्षेत्रों के बारे में बताया जहां बीजेपी बड़े पैमाने पर सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। हालांकि चौथा रीजन जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, वहां से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देता हूं कि बुंदेलखंड में टिकट बंटवारे पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि बुंदेलखंड में सांसदों के टिकट कटने को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि किसी का टिकट नहीं कटेगा। बुंदेलखंड में 4 सीटें आती हैं लोकसभा की और जो खबर मिल रही है कि इन 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है, यानी दोबारा से इनको टिकट दिया जाएगा, यानी बुंदेलखंड में अभी किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यूपी में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो देश भर में चर्चित हुए, अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे सांसदों का क्या करेगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का है जो कैसरगंज से सांसद है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी ने फिर से टिकट देने की तैयारी में है। इसी तरह अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें भी पार्टी 2024 के चुनाव में खीरी सीट से टिकट देने की तैयारी कर रही है, यह खबर पक्की है। बीजेपी के कुछ और सांसद भी ऐसे हैं जो भले ही 70 साल के आसपास हो गए हैं लेकिन उन्हें बीजेपी दोबारा टिकट दे सकती है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट मुमकिन है।
देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को फिर से टिकट मिल सकता है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिल सकता है, अकबरपुर से भोले सिंह को भी टिकट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। रमापति राम त्रिपाठी को फिर टिकट मिल सकता है देवरिया से, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। और सलेमपुर से रविंद्र को फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। यह वो नाम है जिनको लेकर तरह तरह की चर्चा। अकबरपुर से भोले सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है कि पार्टी इन सभी सांसदों को दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है। यानी जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है, ये नेता उस लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। इसमें कई नेताओं की उम्र भले ही 70 साल के आसपास हो, लेकिन इनके मामले में पार्टी रियायत दे सकती है। हालांकि इस कैटेगरी में आने वाले कई सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट भी सकता है। कि 70 की उम्र पार कर चुके कई ऐसे सांसदों के टिकट कटेंगे जो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। इनकी जगह ताज़ा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, ऐसे चेहरे जो जिताऊ हों और जिनकी अपने लोकसभा क्षेत्र में अच्छी ख्याति हो। ऐसी कम से कम 2 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यूपी में बीजेपी के 2 नेता ऐसे भी हैं जिन पर हर चुनाव में सबकी नजर रहती है। इनमें एक है वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं और दूसरी मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं। जहां तक इन दोनों के बारे में मुझे पता चला है तो अब तक इन दोनों को लेकर पार्टी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। यानी उन्हें टिकट दिया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है, यह पूरा का पूरा केंद्रीय हाईकमान तय करेगा। बीजेपी अगर यूपी में अपने सांसदों का टिकट काटेगी तो इसके पीछे कई चीजें होंगी। हाल ही में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई जिलों में पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा जैसा हाईकमान को उम्मीद थी। अब जब लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने की बारी आएगी तो खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के सांसदों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, या जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 40-50% है या 50-50% जो है वो नए चेहरे होंगे और 50% चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। देखिए, 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को यूपी में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब कोशिश यही है कि उस नुकसान की सबसे पहले भरपाई की जाए। और जिस तरह उत्तर भारत के दूसरे कई राज्यों में पार्टी क्लीन स्वीप करती है, उसी तर्ज पर राज्य उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया जाए। यही वजह है कि एक एक सीट पर पूरी ताकत के साथ रणनीति तैयार हो रही है और प्रत्याशी के चयन में कोई समझौता नहीं किया जा रहा। बात करते हैं बीजेपी के टिकट वाले मंथन की। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है उत्तर प्रदेश में। और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी में कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है। जी नीरज
जी बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटने की और नए कैंडिडेट्स देने की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए थे उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहाँ पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उनके में बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों वाला। नीरज नीरज मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही है। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है जो विधायक भी है। इसी तरह अंबेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले दद्दन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था, अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं। इसी तरह अगर गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था जो हार गए थे, अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभासपा के लिए छोड़ी जा सकती है, जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है तो ये पूरी टीम जो बनेगी मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर मंथन कर रही है, अब बात करते हैं उन सीटों की जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी को यहां 19 सीट मिली थी जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चार चार सीटों पर जीत दर्ज की थी।
और टिकट बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिली है उसके मुताबिक बीजेपी यहां बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 7 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिल सकता है। 7 ऐसे सांसद हैं। देखिए, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस इलाके में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यहां नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। आरएलडी से बातचीत भी उसका एक सिरा है। किन किन सीटों पर नया प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है इससे मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला नाम है 73 साल के जनरल वीके सिंह का, जो गाजियाबाद से सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और बीजेपी इस बार इस सीट पर किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। पश्चिमी यूपी की एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, जहां से 73 साल के चंद्र सिंह जादौन सांसद है, इनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी यहां से राज्यसभा सांसद अनिल जैन को भी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिन्हें इस बार टिकट मिलने पर सस्पेंस है, हालांकि संघ के करीबी हैं, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस सीट से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बदायूं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। अगर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो बागी हुई तो उन्हें बदला जा सकता है। हालांकि आजकल वो कोई बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है। इसी सीट से हरीश शाक्य और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। पश्चिमी यूपी के हाथरस भी एक ऐसी सीट है जहां से राजवीर दिलेर का नाम टिकट पर, उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि बीजेपी इस बार 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट नहीं देंगी। इसी तरह बरेली की सीट है जहां से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार इस सीट से 8 बार के सांसद हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि हेमा मालिनी और संतोष गंगवार के उम्र को नजरअंदाज भी किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। चलिए कह रहा है ये पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी। देखिए, ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए और टिकाऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। देखिए, पश्चिमी यूपी के बाद अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की, जहां लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार इस इलाके से 20 सीट जीती थी। यहां भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। अवध में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर, अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक 3 सांसदों का टिकट अवध क्षेत्र में कट सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखिए, सवाल यह कि ये 3 सांसद कौन कौन से हैं और क्यों इनका टिकट काटने की चर्चा चल रही है, अब मैं उसे आपको विस्तार से बताता हूं। जरा समझिए, इसमें सबसे पहला नाम सत्यदेव पचौरी का है, जो कानपुर से सांसद हैं। इनकी उम्र 76 साल है और पक्की खबर यही है कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी। दूसरी सीट बहराइच है, जहां से अक्षयवर लाल बीजेपी के सांसद हैं। इनकी उम्र 77 साल है और मेरे पास पक्की खबर है कि इन्हें भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस सीट से विधायक सरोज सोनकर को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अवध की तीसरी सीट बाराबंकी है, जहां से उपेंद्र सिंह रावत सांसद है। इस सीट से प्रियंका रावत फिर से चुनाव में टिकट मांग रही है, जो 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी। या फिर अंतिम समय में उपेंद्र सिंह रावत के नाम पर ही मुहर भी लग सकती है, यह भी संभावना है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं, जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे।
देखिए बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 के मुकाबले बीजेपी को इस क्षेत्र में 2019 में 4 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह कि जो एनडीए में शामिल तीनों दल हैं वो इसी क्षेत्र में सियासी रूप से पहचाने जाते हैं, मजबूत भी हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की सुभासपा है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देता हूं। एक और बड़ी खबर पूर्वांचल में टिकट बंटवारे पर, इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं जो कि मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ये 4 सीट कौन सी है, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहला नाम प्रयागराज का है, यहां से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी सांसद है। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट काटा जा सकता है। चर्चा है कि कौशाम्बी सीट से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को इस सीट मिलाकर चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी उनकी सीट बदली भी जा सकती है। भदोही में 2019 में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार उनकी जगह किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह बलिया सीट है जहां से वीरेंद्र मस्त बीजेपी के सांसद हैं, इनकी सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं, भारतीय जनता पार्टी योग्यता पे, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काटने का सवाल नहीं है, नए चेहरों को युवा शक्ति को सामने लाने की, युवा शक्ति आती ही रहती है। देखिए मैंने आपको अब तक यूपी के 3 क्षेत्रों के बारे में बताया जहां बीजेपी बड़े पैमाने पर सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। हालांकि चौथा रीजन जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, वहां से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देता हूं कि बुंदेलखंड में टिकट बंटवारे पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि बुंदेलखंड में सांसदों के टिकट कटने को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि किसी का टिकट नहीं कटेगा। बुंदेलखंड में 4 सीटें आती हैं लोकसभा की और जो खबर मिल रही है कि इन चारों सांसदों को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है, यानी दोबारा से इनको टिकट दिया जाएगा, यानी बुंदेलखंड में अभी किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यूपी में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो देश भर में चर्चित हुए, अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे सांसदों का क्या करेगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का है जो कैसरगंज से सांसद है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी इन्हें फिर से टिकट देने की तैयारी में है। इसी तरह अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें भी पार्टी 2024 के चुनाव में खीरी सीट से टिकट देने की तैयारी कर रही है, यह खबर पक्की है। बीजेपी के कुछ और सांसद भी ऐसे हैं जो भले ही 70 साल के आसपास हो गए हैं लेकिन उन्हें बीजेपी दोबारा टिकट दे सकती है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट मुमकिन है, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को फिर से टिकट मिल सकता है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिल सकता है, अकबरपुर से भोले सिंह को भी टिकट मिलने की पूरी पूरी संभावना है, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, रमापति राम त्रिपाठी को फिर टिकट मिल सकता है देवरिया से, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है, और सलेमपुर से रविंद्र को फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। यह वो नाम है जिनको लेकर तरह तरह की चर्चा, अकबरपुर से भोले सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है कि पार्टी इन सभी सांसदों को दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है ये नेता उस लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। इसमें कई नेताओं की उम्र भले ही 70 साल के आसपास हो लेकिन इनके मामले में पार्टी रियायत दे सकती है। हालांकि इस कैटेगरी में आने वाले कई सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट भी सकता है। कि 70 की उम्र पार कर चुके कई ऐसे सांसदों के टिकट कटेंगे जो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, इनकी जगह ताज़ा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, ऐसे चेहरे जो जिताऊ हों और जिनकी अपने लोकसभा क्षेत्र में अच्छी ख्याति हो। ऐसी कम से कम
दो दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यूपी में बीजेपी के दो नेता ऐसे भी हैं जिन पर हर चुनाव में सबकी नजर रहती है। इनमें एक है वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं और दूसरी मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं। जहां तक इन दोनों के बारे में मुझे पता चला है तो अब तक इन दोनों को लेकर पार्टी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है, यानी उन्हें टिकट दिया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है, यह पूरा का पूरा केंद्रीय हाईकमान तय करेगा। बीजेपी अगर यूपी में अपने सांसदों का टिकट काटेगी तो इसके पीछे कई चीजें होंगी। हाल ही में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई जिलों में पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा जैसा हाईकमान को उम्मीद थी। अब जब लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने की बारी आएगी तो खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के सांसदों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, या जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 40-50% है या 50-50% जो है वो नए चेहरे होंगे और 50% चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। देखिए 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को यूपी में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब कोशिश यही है कि उस नुकसान की सबसे पहले भरपाई की जाए, और जिस तरह उत्तर भारत के दूसरे कई राज्यों में पार्टी क्लीन स्वीप करती है उसी तर्ज पर राज्य उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया जाए। यही वजह है कि एक एक सीट पर पूरी ताकत के साथ रणनीति तैयार हो रही है और प्रत्याशी के चयन में कोई समझौता नहीं किया जा रहा। बात करते हैं बीजेपी के टिकट वाले मंथन की। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है उत्तर प्रदेश में, और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी में कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है। जी नीरज। जी बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटने की और नए कैंडिडेट्स देने की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए थे उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहाँ पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उनके में बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों वाला। नीरज मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर
भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है, जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है, जो विधायक भी है। इसी तरह अम्बेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले दद्दन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी। इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं, जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था, अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं। इसी तरह अगर गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था, जो हार गए थे। अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभासपा के लिए छोड़ी जा सकती है, जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है, तो ये पूरी टीम जो बनेगी, मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की, वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको, या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की, उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए, ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर मंथन कर रही है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी को यहां 19 सीट मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चार चार सीटों पर जीत दर्ज की थी। और टिकट बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिली है, उसके मुताबिक बीजेपी यहां बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 7 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिल सकता है। 7 ऐसे सांसद हैं। देखिए, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस इलाके में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यहां नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। आरएलडी से बातचीत भी उसका एक सिरा है। किन किन सीटों पर नया प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है, इससे मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला नाम है 73 साल के जनरल वीके सिंह का, जो गाजियाबाद से सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और बीजेपी इस बार इस सीट पर किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। पश्चिमी यूपी की एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, जहां से 73 साल के चंद्र सिंह जादौन सांसद है, इनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी यहां से राज्यसभा सांसद अनिल जैन को भी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिन्हें इस बार टिकट मिलने पर सस्पेंस है, हालांकि संघ के करीबी हैं, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस सीट से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बदायूं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। अगर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो बागी हुई तो उन्हें बदला जा सकता है। हालांकि आजकल वो कोई
बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है। इसी सीट से हरीश शाक्य और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। पश्चिमी यूपी के हाथरस भी एक ऐसी सीट है जहां से राजवीर दिलेर का नाम टिकट पर उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि बीजेपी इस बार 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट नहीं देंगी। इसी तरह बरेली की सीट है जहां से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार इस सीट से 8 बार के सांसद हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि हेमा मालिनी और संतोष गंगवार के उम्र को नजरअंदाज भी किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। ये कह रहा है कि पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, देखिए ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए और टिकाऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। देखिए पश्चिमी यूपी के बाद अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की, जहां लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार इस इलाके से 20 सीट जीती थी। यहां भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सांसदों का टिकट काटा जा सकता है और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। अवध में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर, अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक 3 सांसदों का टिकट अवध क्षेत्र में कट सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखिए सवाल यह कि ये 3 सांसद कौन कौन से हैं और क्यों इनका टिकट काटने की चर्चा चल रही है, अब मैं उसे आपको विस्तार से बताता हूं, जरा समझिए। इसमें सबसे पहला नाम सत्यदेव पचौरी का है जो कानपुर से सांसद हैं, इनकी उम्र 76 साल है और पक्की खबर यही है कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी। दूसरी सीट बहराइच है जहां से अक्षयवर लाल बीजेपी के सांसद हैं, इनकी उम्र 77 साल है और मेरे पास पक्की खबर है कि इन्हें भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस सीट से विधायक सरोज सोनकर को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अवध की तीसरी सीट बाराबंकी है जहां से उपेंद्र सिंह रावत सांसद है, इस सीट से प्रियंका रावत फिर से चुनाव में टिकट मांग रही हैं, जो 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी। या फिर अंतिम समय में उपेंद्र सिंह रावत के नाम पर ही मुहर भी लग सकती है, यह भी संभावना है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे। देखिए बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 के मुकाबले बीजेपी को इस क्षेत्र में 2019 में 4 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह कि जो एनडीए में शामिल 3 दल हैं वो इसी क्षेत्र में सियासी रूप से पहचाने जाते हैं, मजबूत भी हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की सुभासपा है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देता हूं। एक और बड़ी खबर पूर्वांचल में टिकट बंटवारे पर, इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं जो कि मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ये 4 सीट कौन सी है, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहला नाम प्रयागराज का है, यहां से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी सांसद है। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट काटा जा सकता है। चर्चा है कि कौशाम्बी सीट से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को इस सीट में लाकर चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी उनकी सीट बदली भी जा सकती है। भदोही में 2019 में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार उनकी जगह किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह बलिया सीट है जहां से वीरेंद्र मस्त बीजेपी के सांसद हैं, इनकी सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। देखिए
भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं, भारतीय जनता पार्टी योग्यता से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काटने का सवाल नहीं है, नए चेहरों को युवा शक्ति को सामने लाने की युवा शक्ति आती ही होती है। देखिए मैंने आपको अब तक यूपी के 3 क्षेत्रों के बारे में बताया जहां बीजेपी बड़े पैमाने पर सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। हालांकि चौथा रीजन जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, वहां से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देता हूं कि बुंदेलखंड में टिकट बंटवारे पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि बुंदेलखंड में सांसदों के टिकट कटने को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि किसी का टिकट नहीं कटेगा। बुंदेलखंड में 4 सीटें आती हैं लोकसभा की और जो खबर मिल रही है कि इन 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है, यानी दोबारा से इनको टिकट दिया जाएगा, यानी बुंदेलखंड में अभी किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यूपी में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो देश भर में चर्चित हुए। अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे सांसदों का क्या करेगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का है जो कैसरगंज से सांसद है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी इन्हें फिर से टिकट देने की तैयारी में है। इसी तरह अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें भी पार्टी 2024 के चुनाव में खीरी सीट से टिकट देने की तैयारी कर रही है, यह खबर पक्की है। बीजेपी के कुछ और सांसद भी ऐसे हैं जो भले ही 70 साल के आसपास हो गए हैं लेकिन उन्हें बीजेपी दोबारा टिकट दे सकती है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट मुमकिन है, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी को फिर से टिकट मिल सकता है, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को टिकट मिल सकता है, अकबरपुर से भोले सिंह को भी टिकट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है। अयोध्या से लल्लू सिंह को फिर टिकट देने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, रमापति राम त्रिपाठी को फिर टिकट मिल सकता है देवरिया से, यह भी इस वक्त की बड़ी खबर है, और सलेमपुर से रविंद्र को फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। यह वो नाम है जिनको लेकर तरह तरह की चर्चा, अकबरपुर से भोले सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि इनका टिकट कट सकता है, लेकिन मेरे पास पक्की खबर है कि पार्टी इन सभी सांसदों को दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी जिन सांसदों का टिकट कटने वाला है ये नेता उस लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। इसमें कई नेताओं की उम्र भले ही 70 साल के आसपास हो लेकिन इनके मामले में पार्टी रियायत दे सकती है। हालांकि इस कैटेगरी में आने वाले कई सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट भी सकता है कि 70 की उम्र पार कर चुके कई ऐसे सांसदों के टिकट कटेंगे जो 2014 और 2019 दोनों चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। इनकी जगह ताज़ा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, ऐसे चेहरे जो जिताऊ हों और जिनकी अपने लोकसभा क्षेत्र में अच्छी ख्याति हो। ऐसी कम से कम 2 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां मौजूदा सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बदले जा सकते हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। यूपी में बीजेपी के 2 नेता ऐसे भी हैं जिन पर हर चुनाव में सबकी नजर रहती है। इनमें एक है वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं और दूसरी मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं। जहां तक इन दोनों के बारे में मुझे पता चला है तो अब तक इन दोनों को लेकर पार्टी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है, यानी उन्हें टिकट दिया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है, यह पूरा का पूरा केंद्रीय हाईकमान तय करेगा। बीजेपी अगर यूपी में अपने सांसदों का टिकट काटेगी तो इसके पीछे कई चीजें होंगी। हाल ही में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई जिलों में पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा जैसा हाईकमान को उम्मीद थी। अब जब लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने की बारी आएगी तो खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के सांसदों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, या जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 40-50% है या 50-50% जो है वो नए चेहरे होंगे और 50% चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। देखिए 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को यूपी में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था।
अब कोशिश यही है कि उस नुकसान की सबसे पहले भरपाई की जाए। और जिस तरह उत्तर भारत के दूसरे कई राज्यों में पार्टी क्लीन स्वीप करती है, उसी तर्ज पर राज्य उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया जाए। यही वजह है कि एक एक सीट पर पूरी ताकत के साथ रणनीति तैयार हो रही है और प्रत्याशी के चयन में कोई समझौता नहीं किया जा रहा। बात करते हैं बीजेपी के टिकट वाले मंथन की। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है उत्तर प्रदेश में। और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी में कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है। जी नीरज। जी बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटने की और नए कैंडिडेट्स देने की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए थे, उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहाँ पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उनके उनमें बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों वाला। नीरज नीरज मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी, क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है? सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही है। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है जो विधायक भी है। इसी तरह अम्बेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले दद्दन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था,
अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं। इसी तरह अगर गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था जो हार गए थे, अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभासपा के लिए छोड़ी जा सकती है, जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है तो ये पूरी टीम जो बनेगी मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर मंथन कर रही है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी को यहां 19 सीट मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चार चार सीटों पर जीत दर्ज की थी। और टिकट बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिली है उसके मुताबिक बीजेपी यहां बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 7 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिल सकता है। 7 ऐसे सांसद हैं। देखिए 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस इलाके में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यहां नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। आरएलडी से बातचीत भी उसका एक सिरा है। किन किन सीटों पर नया प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है इससे मैं अब आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहला नाम है 73 साल के जनरल वीके सिंह का, जो गाजियाबाद से सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और बीजेपी इस बार इस सीट पर किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। पश्चिमी यूपी की एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, जहां से 73 साल के चंद्र सिंह जादौन सांसद है, इनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी यहां से राज्यसभा सांसद अनिल जैन को भी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिन्हें इस बार टिकट मिलने पर सस्पेंस है, हालांकि संघ के करीबी हैं, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस सीट से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बदायूं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। अगर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो बागी हुई तो उन्हें बदला जा सकता है, हालांकि आजकल वो कोई बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है। इसी सीट से हरीश शाक्य और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। पश्चिमी यूपी के हाथरस भी एक ऐसी सीट है जहां से राजवीर दिलेर का नाम टिकट पर उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि बीजेपी इस बार 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट नहीं देंगी। इसी तरह बरेली की सीट है जहां से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार इस सीट से 8 बार के सांसद हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि हेमा मालिनी और संतोष गंगवार के उम्र को नजरअंदाज भी किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, देखिए ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए और टिकाऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। देखिए पश्चिमी यूपी के बाद अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की, जहां लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार इस इलाके से 20 सीट जीती थी। यहां भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। अवध में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर, अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक 3 सांसदों का टिकट अवध क्षेत्र में कट सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए
अब देखिए सवाल यह कि ये तीन सांसद कौन कौन से हैं और क्यों इनका टिकट काटने की चर्चा चल रही है, अब मैं उसे आपको विस्तार से बताता हूं। जरा समझिए, इसमें सबसे पहला नाम सत्यदेव पचौरी का है जो कानपुर से सांसद हैं, इनकी उम्र 76 साल है और पक्की खबर यही है कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी। दूसरी सीट बहराइच है जहां से अक्षय वर लाल बीजेपी के सांसद हैं, इनकी उम्र 77 साल है और मेरे पास पक्की खबर है कि इन्हें भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस सीट से विधायक सरोज सोनकर को चुनाव लड़वाया जा सकता है और अवध की तीसरी सीट बाराबंकी है जहां से उपेंद्र सिंह रावत सांसद है। इस सीट से प्रियंका रावत फिर से चुनाव में टिकट मांग रही है जो 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी, या फिर अंतिम समय में उपेंद्र सिंह रावत के नाम पर ही मुहर भी लग सकती है, यह भी संभावना है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे। देखिए बात करते हैं पूर्वांचल की जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 के मुकाबले बीजेपी को इस क्षेत्र में 2019 में 4 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह कि जो एनडीए में शामिल तीनों दल हैं वो इसी क्षेत्र में सियासी रूप से पहचाने जाते हैं, मजबूत भी हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की सुभासपा है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देता हूं। एक और बड़ी खबर पूर्वांचल में टिकट बंटवारे पर, इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं जो कि मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए ये 4 सीट कौन सी है, अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहला नाम प्रयागराज का है, यहां से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी सांसद है। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज का टिकट काटा जा सकता है। चर्चा है कि कौशाम्बी सीट से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को इस सीट में लाकर चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी उनकी सीट बदली भी जा सकती है। भदोही में 2019 में रमेश चंद्र बिंद बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, इस बार उनकी जगह किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरह बलिया सीट है जहां से वीरेंद्र मस्त बीजेपी के सांसद हैं, इनकी सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी को काटती नहीं, भारतीय जनता पार्टी योग्यता से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काटने का सवाल नहीं है, नए चेहरों को युवा शक्ति को सामने लाने की युवा शक्ति आती ही रहती है। देखिए मैंने आपको अब तक यूपी के 3 क्षेत्रों के बारे में बताया जहां बीजेपी बड़े पैमाने पर सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। हालांकि चौथा रीजन जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, वहां से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देता हूं कि बुंदेलखंड में टिकट बंटवारे पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि बुंदेलखंड में सांसदों के टिकट कटने को लेकर जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि किसी का टिकट नहीं कटेगा। बुंदेलखंड में 4 सीटें आती हैं लोकसभा की और जो खबर मिल रही है कि इन 4 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है, यानी दोबारा से इनको टिकट दिया जाएगा, यानी बुंदेलखंड में अभी किसी भी तरह की बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यूपी में कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो देश भर में चर्चित हुए, अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे सांसदों का क्या करेगी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का है जो कैसरगंज से सांसद है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी ने फिर से टिकट देने की तैयारी में है, सांसदों के टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई।
कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है। जी नीरज, इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है। जी नीरज। जी बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटने की और नए कैंडिडेट्स देने की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए थे, उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहाँ पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकंबेंसी को देखते हुए उनके में बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों वाला। नीरज, नीरज मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते हैं। यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी, क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है? सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है, जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही है। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है, जो विधायक भी है। इसी तरह अम्बेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले दद्दन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं, जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था, अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं। इसी तरह अगर
गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था जो हार गए थे, अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभासपा के लिए छोड़ी जा सकती है, जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है तो ये पूरी टीम जो बनेगी मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी बदलने पर मंथन कर रही है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां मौजूदा सांसदों का टिकट काटने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रीजन में लोकसभा की 27 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 में बीजेपी को यहां 19 सीट मिली थी जबकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने गठबंधन करके चार चार सीटों पर जीत दर्ज की थी। और टिकट बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिली है उसके मुताबिक बीजेपी यहां बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काट सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में टिकट बंटवारे पर इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में 7 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी इस बार काट सकती है, यानी उनको टिकट नहीं मिल सकता है, 7 ऐसे सांसद हैं। देखिए 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस इलाके में बीजेपी की टेंशन बढ़ाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यहां नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। आरएलडी से बातचीत भी उसका एक सिरा है। किन किन सीटों पर नया प्रत्याशी उतारने की चर्चा चल रही है इससे मैं अब आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहला नाम है 73 साल के जनरल वीके सिंह का, जो गाजियाबाद से सांसद हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और बीजेपी इस बार इस सीट पर किसी नए प्रत्याशी को उतार सकती है। पश्चिमी यूपी की एक दूसरी सीट है फिरोजाबाद, जहां से 73 साल के चंद्र सिंह जादौन सांसद है, इनका टिकट भी कट सकता है। बीजेपी यहां से राज्यसभा सांसद अनिल जैन को भी मैदान में उतार सकती है। इसी तरह मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिन्हें इस बार टिकट मिलने पर सस्पेंस है, हालांकि संघ के करीबी हैं, आखिरी वक्त में कुछ भी हो सकता है। इस सीट से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं। पश्चिमी यूपी के बदायूं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। अगर संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो बागी हुई तो उन्हें बदला जा सकता है, हालांकि आजकल वो कोई बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ नहीं कर रही है। इसी सीट से हरीश शाक्य और बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। पश्चिमी यूपी के हाथरस भी एक ऐसी सीट है जहां से राजवीर दिलेर का नाम टिकट पर, उनका टिकट कट सकता है। चर्चा है कि बीजेपी इस बार 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा से टिकट नहीं देंगी। इसी तरह बरेली की सीट है जहां से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। संतोष गंगवार इस सीट से 8 बार के सांसद हैं। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि हेमा मालिनी और संतोष गंगवार के उम्र को नजरअंदाज भी किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस को देखकर। पुराने चेहरों को नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, देखिए ये सब चीजें पार्टी के हाईकमान को करना है और निश्चित तौर से जिताऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए, टिकाऊ को ही टिकट मिलनी चाहिए। ये पार्टी के संगठन का काम है, हम लोगों का काम है जनता की सेवा करना। देखिए पश्चिमी यूपी के बाद अब बात करते हैं अवध क्षेत्र की, जहां लोकसभा की 23 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार इस इलाके से 20 सीट जीती थी। यहां भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। अवध में टिकट बंटवारे पर बड़ी खबर, अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है उसके मुताबिक 3 सांसदों का टिकट अवध क्षेत्र में कट सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब देखिए सवाल यह कि ये 3 सांसद कौन कौन से हैं और क्यों इनका टिकट काटने की चर्चा चल रही है, अब मैं उसे आपको विस्तार से बताता हूं। जरा समझिए,
इसमें सबसे पहला नाम सत्यदेव पचौरी का है जो कानपुर से सांसद हैं। इनकी उम्र 76 साल है और पक्की खबर यही है कि इस बार पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाएगी। दूसरी सीट बहराइच है जहां से अक्षय वर लाल बीजेपी के सांसद हैं। इनकी उम्र 77 साल है और मेरे पास पक्की खबर है कि इन्हें भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। इस सीट से विधायक सरोज सोनकर को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अवध की तीसरी सीट बाराबंकी है जहां से उपेंद्र सिंह रावत सांसद है। इस सीट से प्रियंका रावत फिर से चुनाव में टिकट मांग रही है जो 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़ी थी, जीती थी। या फिर अंतिम समय में उपेंद्र सिंह रावत के नाम पर ही मुहर भी लग सकती है, यह भी संभावना है। सर्वे भी बीजेपी कराती रहती है और कई सर्वों में निकला है कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनके व्यक्तिगत परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं वहां उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तय है कि बड़ी संख्या में जो सांसद रहे हैं उनका टिकट कटेगा। जो 6 प्रमुख सीटें हैं जिसमें अयोध्या, कानपुर और अन्य सीटें भी हैं, वहां पे बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतारे जाएंगे। देखिए बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 के मुकाबले बीजेपी को इस क्षेत्र में 2019 में 4 सीटों का नुकसान हुआ था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी के लिए राहत की बात यह कि जो एनडीए में शामिल तीनों दल हैं वो इसी क्षेत्र में सियासी रूप से पहचाने जाते हैं, मजबूत भी हैं। इसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस, संजय निषाद की निषाद पार्टी है और ओपी राजभर की सुभासपा है। अब बीजेपी यहां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में टिकट बंटवारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको देता हूं। एक और बड़ी खबर पूर्वांचल में टिकट बंटवारे पर, इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि पूर्वांचल में 4 सांसदों के टिकट कट सकते हैं जो कि मौजूदा सांसद है भारतीय जनता पार्टी। बोलना सुनिए, उत्तर प्रदेश की 1 मिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी 1 बिलियन उसके लिए झूठ बोल चुकी है। 1 बिलियन झूठ बोलने के बाद भी उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। जैन चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहां पर यात्रा में शामिल रहूंगा। तो मंच भी साझा करेंगे सर? मैंने आपसे कहा कि जो पत्र है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप। बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। ये भी कहा जो अभी सबसे ताजा मुद्दा है कि जयंत चौधरी एक सुलझे हुए इंसान है और उनको इस बात की उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई को जयंत चौधरी कमजोर नहीं होने देंगे। आत्मविश्वास जो इस बयान में दिख रहा है उससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उम्मीद जता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए मतलब संभावनाएं शुरू हो गई। अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं बड़ी डिप्लोमेटिक ढंग से कही, बहुत साफ साफ, जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा था कि नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा किसानों के आंदोलन को कोई नुकसान नहीं होने देंगे फलाना फलाना। मतलब ये बात है कि न तो मेरा ही मानना है कि उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं किया। दूसरी तरफ एक और चीज़ आपने देखा है, जब न्याय यात्रा की बात आई तो क्या कह रहे हैं, रायबरेली लखनऊ के बहुत नज़दीक है तो चला जाऊँगा। अब इसका भी मतलब आप समझ लीजिए कि न्याय यात्रा उनकी पूरे उसमें हो रही है लेकिन वो कह रहे हैं चूँकि लखनऊ के नज़दीक है, तो ये मिला करके कुछ आप इधर भी सोच सकते हैं उधर भी सोच सकते हैं जो भी सोचना चाहें।
लखनऊ के बहुत नजदीक है रायबरेली, इसलिए चला जाऊंगा। तो ये जो नजदीकी वाला बयान है, ये दूरी साफ दिखा रहा है इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और एसपी के बीच। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि एक तरीके से आप देखना चाहें तो ये बात सही है, अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो इसमें सवाल भी है। दूसरा तरीका ये है कि पश्चिम बंगाल की नेत्री हैं ममता बनर्जी, वो तमाम कोशिशों के बावजूद, इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन करवाए गए उनको और वो नहीं आई, और अखिलेश यादव वहाँ पर आएंगे, और मेरे ख्याल से इनकी जितनी भी जो यात्रा अभी तक हुई है उसमें सबसे बड़े नेता जो शामिल होने वाले हैं वो अखिलेश यादव होने वाले हैं, तो आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, जिससे आपने प्रोग्राम शुरू किया, क्या जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ जाएंगे, अगर जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीटों की अगर वो बात करें तो उनको तो बीजेपी में दो ही सीटों की बात हो रही है और एक राज्यसभा के लिए, और एक राज्यसभा की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यही तो कह रहे हैं ना कि हम कैराना के साथ मुजफ्फरनगर बिजनौर तीन सीटों पर वो अपना लड़ाना चाहते हैं, चार तो इनको मिली हुई हैं, तो दो और चार का मामला है और खुद वो राज्यसभा में हैं, तो इस समय समाजवादी पार्टी की वजह से, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अखिलेश यादव ने ये एक सीख लिया है किस तरीके से, और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री काल के दौरान ही आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये सीखा है, किस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब देना है, ये उनको कला आ गई है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक अच्छी बात है उनके लिए। तो ये सिर्फ पत्रकारों को जवाब देने की कला है कि अंदर खाने जो कुछ हुआ है इनको पता चला है कि नहीं अब तो जयंत चौधरी जा रहे हैं, ये वो कर रहा है परिलक्षित, ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है अखिलेश जी की बातचीत से कि जयंत जी के साथ जो उनकी नज़दीकी है वो थोड़ी कम हो रही है और जयंत चौधरी जा सकते हैं इसकी संभावना आशंका अखिलेश जी को दिखाई दे रही होगी, जिसको वो किसानों के साथ, और वो रोकने के लिए जो एक कैवियट उन्होंने लगाई कि किसानों की लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन न्याय यात्रा में अखिलेश जी का जाना एक, उसको यदि हम बहुत इंडिया गठबंधन के लिए नेगेटिव तरीके से सोचे तो एक पॉजिटिव स्टेप भी है कि इंडिया गठबंधन का कोई एक बड़ा दल वहां पर यात्रा में शामिल हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए और उत्तर प्रदेश इतनी बड़े स्टेट में यदि अखिलेश जी के साथ, जो अभी तक हम बार बार बात कर रहे थे कि अखिलेश और कांग्रेस साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि वहां पर वो कुछ करें, और जब जयंत जी जा रहे हैं तो अखिलेश जी को कुछ तो चाहिए ना। अखिलेश जी का उसमें एक ये भी है कि माइनॉरिटी को एक मैसेज भी देना है कि जिस तरह से माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ आ रही है, चाहे वो कर्नाटक रहा हो तेलंगाना रहा हो, उसका भी एक अच्छा मैसेज उनके लिए जाएगा कि भाई हम और कांग्रेस साथ 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 हैं। इससे सिर्फ संदेश जाएगा पर ये कि खेल कुछ और है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी जो है वो आप संदेश दे देंगे तो फिर वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। कांग्रेस की माइनॉरिटी वहीं जाएगा जहां उन्हें लगेगा कि ये पार्टी जीतती हुई है। उत्तर प्रदेश में उसका बिल्कुल दूर दूर तक वो नहीं समझ में आता कि कांग्रेस जीतेगी कभी इतनी सीटें जितनी समाजवादी पार्टी जीतेगी फिलहाल। और अगर आप जी अगर आप कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ ही जाएगा, बीएसपी के साथ भी तो जा सकती है। पिछली बार माइनॉरिटी बीएसपी के साथ गई तब वो सबसे ज्यादा सीटें जीती, तो इसलिए विकल्प वहां पे भाजपा के साथ नहीं जाएगी, तो उसके पास माइनॉरिटी के पास एक विकल्प उत्तर प्रदेश में है कि यदि वो सपा कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती तो वो बीएसपी के साथ भी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक है वो ये गुणा गणित लगा के चलता है, गोल पोस्ट को बढ़ाना। हाँ, वो गुणा गणित लगा के चलता है कि जो भाजपा को हरा सकता है हमें उसके साथ इसको, इसको बोलते हैं गोल पोस्ट को बढ़ाना। बात हो रही थी माइनॉरिटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, अब आप बसपा उसको ले आए तो आपने उसको गोल पोस्ट को और बढ़ा दिया, बसपा की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है लेकिन एक दल के रूप में तो वो वहां पे लड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभी जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी में से किसके साथ जाएगा। हाँ, ये बात हो रही है, तो आप गोल पोस्ट को बढ़ाइए मत। नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ किसके साथ जाएगी, यदि मान लीजिए वहां बीएसपी भी लड़ रही और कांग्रेस लड़ रही या सपा लड़ रही, गोल पोस्ट बढ़ाने की बात नहीं है, तो यदि हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव में किसके साथ जाएगा। राकेश जी, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, अखिलेश यादव जयंत चौधरी पर बोलना, सुनिए। उत्तर प्रदेश की $1 मिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी 1 बिलियन उसके लिए झूठ बोल चुकी है। 1 बिलियन झूठ बोलने के बाद भी उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ,
और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। जैन चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है, और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहाँ पर यात्रा में शामिल रहूँगा। तो मंच भी साझा करेंगे सर? मैंने आपसे कहा कि जो पत्र है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप। बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। ये भी कहा, जो अभी सबसे ताजा मुद्दा है, कि जयंत चौधरी एक सुलझे हुए इंसान है और उनको इस बात की उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई को जयंत चौधरी कमजोर नहीं होने देंगे। आत्मविश्वास जो इस बयान में दिख रहा है उससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उम्मीद जता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, मतलब संभावनाएं शुरू हो गई। अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं बड़ी डिप्लोमेटिक ढंग से कही हूँ, बहुत साफ साफ, जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा था कि नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा किसानों के आंदोलन को कोई नुकसान नहीं होने देंगे फलाना फलाना। मतलब ये बात है कि न तो मेरा ही मानना है कि उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं किया। दूसरी तरफ एक और चीज़ आपने देखा है, जब न्याय यात्रा की बात आई तो क्या कह रहे हैं, रायबरेली लखनऊ के बहुत नज़दीक है तो चला जाऊँगा। अब इसका भी मतलब आप समझ लीजिए कि न्याय यात्रा उनकी पूरे उसमें हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं चूंकि लखनऊ के नज़दीक है। तो ये मिला करके कुछ आप इधर भी सोच सकते हैं, उधर भी सोच सकते हैं, जो भी सोचना चाहें। लखनऊ के बहुत नज़दीक है रायबरेली, इसलिए चला जाऊंगा। तो ये जो नज़दीकी वाला बयान है, ये दूरी साफ दिखा रहा है इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और एसपी के बीच। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि एक तरीके से आप देखना चाहें तो ये बात सही है, अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो इसमें सवाल भी है। दूसरा तरीका ये है कि पश्चिम बंगाल की नेत्री हैं ममता बनर्जी, वो तमाम कोशिशों के बावजूद, इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन करवाए गए उनको और वो नहीं आई, और अखिलेश यादव वहाँ पर आएंगे, और मेरे ख्याल से इनकी जितनी भी जो यात्रा अभी तक हुई है उसमें सबसे बड़े नेता जो शामिल होने वाले हैं वो अखिलेश यादव होने वाले हैं, तो आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, जिससे आपने प्रोग्राम शुरू किया, क्या जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ जाएंगे, अगर जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीटों की अगर वो बात करें तो उनको तो बीजेपी में दो ही सीटों की बात हो रही है और एक राज्यसभा के लिए, और एक राज्यसभा की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यही तो कह रहे हैं ना कि हम कैराना के साथ मुजफ्फरनगर बिजनौर तीन सीटों पर वो अपना लड़ाना चाहते हैं, चार तो इनको मिली हुई हैं, तो दो और चार का मामला है और खुद वो राज्यसभा में हैं, तो इस समय समाजवादी पार्टी की वजह से, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अखिलेश यादव ने ये एक सीख लिया है किस तरीके से, और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री काल के दौरान ही आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये सीखा है, किस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब देना है, ये उनको कला आ गई है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक अच्छी बात है उनके लिए। तो ये सिर्फ पत्रकारों को जवाब देने की कला है कि अंदर खाने जो कुछ हुआ है इनको पता चला है कि नहीं, अब तो जयंत चौधरी जा रहे हैं, ये वो कर रहा है परिलक्षित। ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है अखिलेश जी की बातचीत से कि जयंत जी के साथ जो उनकी नजदीकी है वो थोड़ी कम हो रही है और जयंत चौधरी जा सकते हैं, इसकी संभावना आशंका अखिलेश जी को दिखाई दे रही होगी, जिसको वो किसानों के साथ, और वो रोकने के लिए जो एक कैवियट उन्होंने लगाई कि किसानों की लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन न्याय यात्रा में अखिलेश जी का जाना एक, उसको यदि हम बहुत इंडिया गठबंधन के लिए नेगेटिव तरीके से सोचे तो एक पॉजिटिव स्टेप भी है कि इंडिया गठबंधन का कोई एक बड़ा दल वहाँ पर यात्रा में शामिल हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए और उत्तर प्रदेश इतनी बड़े स्टेट में यदि अखिलेश जी के साथ, जो अभी तक हम बार बार बात कर रहे थे कि अखिलेश और कांग्रेस साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि वहाँ पर वो कुछ करें, और जब जयंत जी जा रहे हैं तो अखिलेश जी को कुछ तो चाहिए ना। अखिलेश जी का उसमें एक ये भी है कि माइनॉरिटी को एक मैसेज भी देना है कि जिस तरह से माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ आ रही है, चाहे वो कर्नाटक रहा हो तेलंगाना रहा हो, उसका भी एक अच्छा मैसेज उनके लिए जाएगा कि भाई हम और कांग्रेस साथ 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 है। इससे सिर्फ संदेश जाएगा, पर ये
कि खेल कुछ और है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी जो है वो आप संदेश दे देंगे तो फिर वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। कांग्रेस की माइनॉरिटी वहीं जाएगा जहां उन्हें लगेगा कि ये पार्टी जीतती हुई है। उत्तर प्रदेश में उसका बिल्कुल दूर दूर तक वो नहीं समझ में आता कि कांग्रेस जीतेगी कभी इतनी सीटें जितनी समाजवादी पार्टी जीतेगी फिलहाल। और अगर आप जी अगर आप कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ ही जाएगा। बीएसपी के साथ भी तो जा सकती है, पिछली बार माइनॉरिटी बीएसपी के साथ गई तब वो सबसे ज्यादा सीटें जीती, तो इसलिए विकल्प वहाँ पे भाजपा के साथ नहीं जाएगी, तो उसके पास माइनॉरिटी के पास एक विकल्प उत्तर प्रदेश में है कि यदि वो सपा कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती तो वो बीएसपी के साथ भी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक है वो ये गुणा गणित लगा के चलता है, गोल्ड पोस्ट को बढ़ाना। हाँ, गणित लगा के चलता है कि जो भाजपा को हरा सकता है हमें उसके साथ इसको वही है, बोलते हैं गोल पोस्ट को बढ़ाना। बात हो रही थी माइनॉरिटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, अब आप बसपा उसको ले आए तो आपने उसको गोल पोस्ट को और बढ़ा दिया। बसपा की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है लेकिन एक दल के रूप में तो वो वहां पे लड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभी जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी में से किसके साथ जाएगा। हाँ, ये बात हो रही है, तो आप गोल पोस्ट को बढ़ाइए मत। नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ किसके साथ जाएगी, यदि मान लीजिए वहां बीएसपी भी लड़ रही और कांग्रेस लड़ रही या सपा लड़ रही, गोल पोस्ट बढ़ाने की बात नहीं है, तो यदि हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव में किसके साथ जाएगा। राकेश जी, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, अखिलेश यादव जनचंदी पर बोलना, सुनिए। उत्तर प्रदेश की 1 मिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी 1 बिलियन उसके लिए झूठ बोल चुकी है। 1 बिलियन झूठ बोलने के बाद भी उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बन करके जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। जैन चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है, और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहां पर यात्रा में शामिल रहूंगा। तो मंच भी साझा करेंगे सर? मैंने आपसे कहा कि जो पत्र है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप, बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। ये भी कहा, जो अभी सबसे ताजा मुद्दा है, कि जयंत चौधरी एक सुलझे हुए इंसान है और उनको इस बात की उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई को जयंत चौधरी कमजोर नहीं होने देंगे। आत्मविश्वास जो इस बयान में दिख रहा है उससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उम्मीद जता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, मतलब संभावनाएं शुरू हो गई। अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं बड़ी डिप्लोमेटिक ढंग से कही हैं, बहुत साफ साफ, जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा था कि नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा किसानों के आंदोलन को कोई नुकसान नहीं होने देंगे फलाना फलाना। मतलब ये बात है कि न तो मेरा ही मानना है कि उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं किया। दूसरी तरफ एक और चीज़ आपने देखा है, जब न्याय यात्रा की बात आई तो क्या कह रहे हैं, रायबरेली लखनऊ के बहुत नज़दीक है तो चला जाऊँगा। अब इसका भी मतलब आप समझ लीजिए कि न्याय यात्रा उनकी पूरे उसमें हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं चूँकि लखनऊ के नज़दीक है, तो ये मिला करके कुछ आप इधर भी सोच सकते हैं उधर भी सोच सकते हैं, जो भी सोचना चाहें। लखनऊ के बहुत नज़दीक है रायबरेली इसलिए चला जाऊंगा, तो ये जो नज़दीकी वाला बयान है ये दूरी साफ दिखा रहा है इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और एसपी के बीच। जी हाँ, बिल्कुल, आप देखिए कि एक तरीके से आप देखना चाहें तो ये बात सही है, अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो इसमें सवाल भी है। दूसरा तरीका ये है कि पश्चिम बंगाल की नेत्री हैं ममता बनर्जी, वो तमाम कोशिशों के बावजूद, इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन करवाए गए उनको और वो नहीं आई, और अखिलेश यादव वहाँ पर आएंगे, और मेरे ख्याल से इनकी जितनी भी जो
यात्रा अभी तक हुई है उसमें सबसे बड़े नेता जो शामिल होने वाले हैं वो अखिलेश यादव होने वाले हैं, तो आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, जिससे आपने प्रोग्राम शुरू किया, क्या जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ जाएंगे, अगर जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीटों की अगर वो बात करें तो उनको तो बीजेपी में दो ही सीटों की बात हो रही है और एक राज्यसभा के लिए और एक राज्यसभा की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यही तो कह रहे हैं ना कि हम कैराना के साथ मुजफ्फरनगर बिजनौर तीन सीटों पर वो अपना लड़ाना चाहते हैं, चार तो इनको मिली हुई हैं, तो दो और चार का मामला है और खुद वो राज्यसभा में हैं तो इस समय समाजवादी पार्टी की वजह से, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अखिलेश यादव ने ये एक सीख लिया है किस तरीके से, और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री काल के दौरान ही आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये सीखा है, किस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब देना है, ये उनको कला आ गई है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक अच्छी बात है उनके लिए। तो ये सिर्फ पत्रकारों को जवाब देने की कला है कि अंदर खाने जो कुछ हुआ है इनको पता चला है कि नहीं अब तो जयंत चौधरी जा रहे हैं, ये वो कर रहा है परिलक्षित, ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है अखिलेश जी की बातचीत से कि जयंत जी के साथ जो उनकी नज़दीकी है वो थोड़ी कम हो रही है और जयंत चौधरी जा सकते हैं इसकी संभावना आशंका अखिलेश जी को दिखाई दे रही होगी, जिसको वो किसानों के साथ, और वो रोकने के लिए जो एक कैवियट उन्होंने लगाई कि किसानों की लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन न्याय यात्रा में अखिलेश जी का जाना एक, उसको यदि हम बहुत इंडिया गठबंधन के लिए नेगेटिव तरीके से सोचे तो एक पॉजिटिव स्टेप भी है कि इंडिया गठबंधन का कोई एक बड़ा दल वहां पर यात्रा में शामिल हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए और उत्तर प्रदेश इतनी बड़े स्टेट में यदि अखिलेश जी के साथ, जो अभी तक हम बार बार बात कर रहे थे कि अखिलेश और कांग्रेस साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि वहां पर वो कुछ करें। और जब जी जा रहे हैं तो अखिलेश जी को कुछ तो चाहिए ना। अखिलेश जी का उसमें एक ये भी है कि माइनॉरिटी को एक मैसेज भी देना है कि जिस तरह से माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ आ रही है, चाहे वो कर्नाटक रहा हो तेलंगाना रहा हो, उसका भी एक अच्छा मैसेज उनके लिए जाएगा कि भाई हम और कांग्रेस साथ 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 है। इससे सिर्फ संदेश जाएगा पर ये कि खेल कुछ और है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी जो है वो आप संदेश दे देंगे तो फिर वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। कांग्रेस की माइनॉरिटी वहीं जाएगा जहां उन्हें लगेगा कि ये पार्टी जीतती हुई है। उत्तर प्रदेश में उसका बिल्कुल दूर दूर तक वो नहीं समझ में आता कि कांग्रेस जीतेगी कभी इतनी सीटें जितनी समाजवादी पार्टी जीतेगी फिलहाल। और अगर आप जी अगर आप कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ ही जाएगा, बीएसपी के साथ भी तो जा सकती है। पिछली बार माइनॉरिटी बीएसपी के साथ गई तब वो सबसे ज्यादा सीटें जीती, तो इसलिए विकल्प वहां पे भाजपा के साथ नहीं जाएगी, तो उसके पास माइनॉरिटी के पास एक विकल्प उत्तर प्रदेश में है कि यदि वो सपा कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती तो वो बीएसपी के साथ भी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक है वो एक गुणा गणित लगा के चलता है, गोल पोस्ट को बढ़ाना। हाँ, गणित लगा के चलता है कि जो भाजपा को हरा सकता है हमें उसके साथ इसको, इसको बोलते हैं गोल पोस्ट को बढ़ाना। बात हो रही थी माइनॉरिटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, अब आप बसपा उसको ले आए तो आपने उसको गोल पोस्ट को और बढ़ा दिया। बसपा की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है लेकिन एक दल के रूप में तो वो वहां पे लड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभी जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी में से किसके साथ जाएगा। हाँ, ये बात हो रही है, तो आप गोल पोस्ट को बढ़ाइए मत। नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ किसके साथ जाएगी, यदि मान लीजिए वहां बीएसपी भी लड़ रही और कांग्रेस लड़ रही या सपा लड़ रही, गोल पोस्ट बढ़ाने की बात नहीं है, तो यदि हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव में किसके साथ जाएगा। राकेश जी, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, अखिलेश यादव जयंत चौधरी पर बोलना, सुनिए। उत्तर प्रदेश की $1 मिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी $1 बिलियन उसके लिए झूठ बोल चुकी है। $1 बिलियन झूठ बोलने के बाद भी उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे?
मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है, और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहां पर यात्रा में शामिल रहूंगा। तो मंच भी साझा करेंगे सर? मैंने आपसे कहा कि जो पत्र है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप, बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। ये भी कहा, जो अभी सबसे ताजा मुद्दा है, कि जयंत चौधरी एक सुलझे हुए इंसान है और उनको इस बात की उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई को जयंत चौधरी कमजोर नहीं होने देंगे। आत्मविश्वास जो इस बयान में दिख रहा है उससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उम्मीद जता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, देखिए मतलब संभावनाएं शुरू हो गई। अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं बड़ी डिप्लोमेटिक ढंग से कही हूँ, बहुत साफ साफ, जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा था कि नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा किसानों के आंदोलन को कोई नुकसान नहीं होने देंगे फलाना फलाना, मतलब ये बात है कि न तो उन मेरा ही मानना है कि उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं किया। दूसरी तरफ एक और चीज़ आपने देखा है, जब न्याय यात्रा की बात आई तो क्या कह रहे हैं, रायबरेली लखनऊ के बहुत नज़दीक है तो चला जाऊँगा। अब इसका भी मतलब आप समझ लीजिए कि न्याय यात्रा उनकी पूरे उसमें हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं चूंकि लखनऊ के नज़दीक है, तो ये मिला करके कुछ आप इधर भी सोच सकते हैं उधर भी सोच सकते हैं, जो भी सोचना चाहें। लखनऊ के बहुत नज़दीक है रायबरेली इसलिए चला जाऊंगा, तो ये जो नज़दीकी वाला बयान है ये दूरी साफ दिखा रहा है इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और एसपी के बीच में। जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि एक तरीके से आप देखना चाहें तो ये बात सही है, अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो इसमें सवाल भी है। दूसरा तरीका ये है कि पश्चिम बंगाल की नेत्री हैं ममता बनर्जी, वो तमाम कोशिशों के बावजूद, इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन करवाए गए उनको और वो नहीं आई, और अखिलेश यादव वहाँ पर आएंगे, और मेरे ख्याल से इनकी जितनी भी जो यात्रा अभी तक हुई है उसमें सबसे बड़े नेता जो शामिल होने वाले हैं वो अखिलेश यादव होने वाले हैं, तो आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, जिससे आपने प्रोग्राम शुरू किया, क्या जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ जाएंगे, अगर जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीटों की अगर वो बात करें तो उनको तो बीजेपी में दो ही सीटों की बात हो रही है और एक राज्यसभा के लिए, और एक राज्यसभा की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यही तो कह रहे हैं ना कि हम कैराना के साथ मुजफ्फरनगर बिजनौर तीन सीटों पर वो अपना लड़ाना चाहते हैं, चार तो इनको मिली हुई हैं, तो दो और चार का मामला है और खुद वो राज्यसभा में हैं, तो इस समय समाजवादी पार्टी की वजह से, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अखिलेश यादव ने ये एक सीख लिया है किस तरीके से, और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री काल के दौरान ही आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये सीखा है, किस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब देना है, ये उनको कला आ गई है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक अच्छी बात है उनके लिए। तो ये सिर्फ पत्रकारों को जवाब देने की कला है कि अंदर खाने जो कुछ हुआ है इनको पता चला है कि नहीं, अब तो जयंत चौधरी जा रहे हैं, ये वो कर रहा है परिलक्षित, ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है अखिलेश जी की बातचीत से कि जयंत जी के साथ जो उनकी नज़दीकी है वो थोड़ी कम हो रही है और जयंत चौधरी जा सकते हैं, इसकी संभावना आशंका अखिलेश जी को दिखाई दे रही होगी, जिसको वो किसानों के साथ, और वो रोकने के लिए जो एक कैवियट उन्होंने लगाई कि किसानों की लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन न्याय यात्रा में अखिलेश जी का जाना एक, उसको यदि हम बहुत इंडिया गठबंधन के लिए नेगेटिव तरीके से सोचे तो एक पॉजिटिव स्टेप भी है कि इंडिया गठबंधन का कोई एक बड़ा दल वहाँ पर यात्रा में शामिल हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए और उत्तर प्रदेश इतनी बड़े स्टेट में यदि अखिलेश जी के साथ, जो अभी तक हम बार बार बात कर रहे थे कि अखिलेश और कांग्रेस साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि वहाँ पर वो कुछ करें, और जब जयंत जी जा रहे हैं तो अखिलेश जी को कुछ तो चाहिए ना। अखिलेश जी का उसमें एक ये भी है कि माइनॉरिटी को एक मैसेज भी देना है कि जिस तरह से माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ आ रही है, चाहे वो कर्नाटक रहा हो तेलंगाना रहा हो, उसका भी एक अच्छा मैसेज उनके लिए जाएगा कि भाई हम और कांग्रेस साथ 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 है, इससे सिर्फ संदेश जाएगा पर ये कि खेल कुछ और है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी जो है वो आप संदेश दे देंगे तो फिर वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, कांग्रेस की माइनॉरिटी वहीं जाएगा जहां उन्हें लगेगा कि ये पार्टी जीतती हुई है। उत्तर प्रदेश में उसका बिल्कुल दूर दूर तक वो नहीं समझ में आता कि कांग्रेस जीतेगी कभी इतनी सीटें जितनी समाजवादी पार्टी जीतेगी फिलहाल, और अगर आप तो जी अगर आप कर्नाटक की बात करें तेलंगाना की बात करें तो वहाँ माइनॉरिटी
कांग्रेस के साथ ही जाएगा, बीएसपी के साथ भी तो जा सकती है। पिछली बार माइनॉरिटी बीएसपी के साथ गई तब वो सबसे ज्यादा सीटें जीती, तो इसलिए विकल्प वहां पे भाजपा के साथ नहीं जाएगी, तो उसके पास माइनॉरिटी के पास एक विकल्प उत्तर प्रदेश में है कि यदि वो सपा कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती तो वो बीएसपी के साथ भी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक है वो ये गुणा गणित लगा के चलता है, गोल्ड पोस्ट को बढ़ाना, हाँ गणित लगा के चलता है कि जो भाजपा को हरा सकता है हमें उसके साथ इसको, इसको बोलते हैं गोल पोस्ट को बढ़ाना। बात हो रही थी माइनॉरिटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, अब आप बसपा उसको ले आए तो आपने उसको गोल पोस्ट को और बढ़ा दिया, बसपा की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है लेकिन एक दल के रूप में तो वो वहां पे लड़ रहा है, तो इसलिए उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभी जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी में से किसके साथ जाएगा। हाँ ये बात हो रही है, तो आप गोल पोस्ट को बढ़ाइए मत। नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ किसके साथ जाएगी, यदि मान लीजिए वहां बीएसपी भी लड़ रही और कांग्रेस लड़ रही या सपा लड़ रही, गोल पोस्ट बढ़ाने की बात नहीं है, तो यदि हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव में किसके साथ जाएगा। राकेश जी, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, अखिलेश यादव जनचंद्री पर बोलना, सुनिए। उत्तर प्रदेश की $1 मिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी $1 बिलियन उसके लिए झूठ बोल चुकी है। $1 बिलियन झूठ बोलने के बाद भी उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। जैन चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर, आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है, और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहां पर यात्रा में शामिल रहूंगा। तो मंच भी साझा करेंगे सर? मैंने आपसे कहा कि जो पत्र है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप, बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। ये भी कहा, जो अभी सबसे ताजा मुद्दा है, कि जयंत चौधरी एक सुलझे हुए इंसान है और उनको इस बात की उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई को जयंत चौधरी कमजोर नहीं होने देंगे। आत्मविश्वास जो इस बयान में दिख रहा है उससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उम्मीद जता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, मतलब संभावनाएं शुरू हो गई। अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं बड़ी डिप्लोमेटिक ढंग से कही हूँ, बहुत साफ साफ, जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा था कि नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा किसानों के आंदोलन को कोई नुकसान नहीं होने देंगे फलाना फलाना, मतलब ये बात है कि न तो उन मेरा ही मानना है कि उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं किया। दूसरी तरफ एक और चीज़ आपने देखा है, जब न्याय यात्रा की बात आई तो क्या कह रहे हैं, रायबरेली लखनऊ के बहुत नज़दीक है तो चला जाऊँगा। अब इसका भी मतलब आप समझ लीजिए कि न्याय यात्रा उनकी पूरे उसमें हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं चूंकि लखनऊ के नज़दीक है, तो ये मिला करके कुछ आप इधर भी सोच सकते हैं उधर भी सोच सकते हैं, जो भी सोचना चाहें। लखनऊ के बहुत नज़दीक है रायबरेली इसलिए चला जाऊंगा, तो ये जो नज़दीकी वाला बयान है ये दूरी साफ दिखा रहा है इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और SP के बीच। जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि एक तरीके से आप देखना चाहें तो ये बात सही है, अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो इसमें सवाल भी है। दूसरा तरीका ये है कि पश्चिम बंगाल की नेत्री हैं ममता बनर्जी, वो तमाम कोशिशों के बावजूद, इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन करवाए गए उनको और वो नहीं आई, और अखिलेश यादव वहाँ पर आएंगे, और मेरे ख्याल से इनकी जितनी भी जो यात्रा अभी तक हुई है उसमें सबसे बड़े नेता जो शामिल होने वाले हैं वो अखिलेश यादव होने वाले हैं, तो आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, जिससे आपने प्रोग्राम शुरू किया, क्या जयंत चौधरी BJP की तरफ जाएंगे, अगर जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीटों की अगर वो बात करें तो उनको तो BJP में दो ही सीटों की बात हो रही है और एक राज्यसभा के लिए और एक राज्यसभा की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यही तो कह रहे हैं ना कि हम कह रहा ना
के साथ मुजफ्फरनगर बिजनौर तीन सीटों पर वो अपना लड़ाना चाहते हैं, चार तो इनको मिली हुई हैं, तो दो और चार का मामला है और खुद वो राज्यसभा में हैं तो इस समय समाजवादी पार्टी की वजह से, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अखिलेश यादव ने ये एक सीख लिया है किस तरीके से, और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री काल के दौरान ही आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये सीखा है, किस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब देना है, ये उनको कला आ गई है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक अच्छी बात है उनके लिए। तो ये सिर्फ पत्रकारों को जवाब देने की कला है कि अंदर खाने जो कुछ हुआ है इनको पता चला है कि नहीं अब तो जयंत चौधरी जा रहे हैं, ये वो कर रहा है परिलक्षित, ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है अखिलेश जी की बातचीत से कि जयंत जी के साथ जो उनकी नज़दीकी है वो थोड़ी कम हो रही है और जयंत चौधरी जा सकते हैं इसकी संभावना आशंका अखिलेश जी को दिखाई दे रही होगी, जिसको वो किसानों के साथ, और वो रोकने के लिए जो एक कैवियट उन्होंने लगाई कि किसानों की लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन न्याय यात्रा में अखिलेश जी का जाना एक, उसको यदि हम बहुत इंडिया गठबंधन के लिए नेगेटिव तरीके से सोचे तो एक पॉजिटिव स्टेप भी है कि इंडिया गठबंधन का कोई एक बड़ा दल वहाँ पर यात्रा में शामिल हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए और उत्तर प्रदेश इतनी बड़े स्टेट में यदि अखिलेश जी के साथ, जो अभी तक हम बार बार बात कर रहे थे कि अखिलेश और कांग्रेस साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि वहाँ पर वो कुछ करें, और जब जयंत जी जा रहे हैं तो अखिलेश जी को कुछ तो चाहिए ना। अखिलेश जी का उसमें एक ये भी है कि माइनॉरिटी को एक मैसेज भी देना है कि जिस तरह से माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ आ रही है, चाहे वो कर्नाटक रहा हो तेलंगाना रहा हो, उसका भी एक अच्छा मैसेज उनके लिए जाएगा कि भाई हम और कांग्रेस साथ 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 हैं, इससे सिर्फ संदेश जाएगा पर ये कि खेल कुछ और है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी जो है वो आप संदेश दे देंगे तो फिर वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, कांग्रेस की माइनॉरिटी वहीं जाएगा जहां उन्हें लगेगा कि ये पार्टी जीतती हुई है। उत्तर प्रदेश में उसका बिल्कुल दूर दूर तक वो नहीं समझ में आता कि कांग्रेस जीतेगी कभी इतनी सीटें जितनी समाजवादी पार्टी जीतेगी फिलहाल, और अगर आप जी अगर आप कर्नाटक की बात करें तेलंगाना की बात करें तो वहाँ माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ ही जाएगा, बीएसपी के साथ भी तो जा सकती है, पिछली बार माइनॉरिटी बीएसपी के साथ गई तब वो सबसे ज्यादा सीटें जीती, तो इसलिए विकल्प वहां पे भाजपा के साथ नहीं जाएगी तो उसके पास माइनॉरिटी के पास एक विकल्प उत्तर प्रदेश में है कि यदि वो सपा कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती तो वो बीएसपी के साथ भी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक है वो ये गुणा गणित लगा के चलता है, गोल्ड पोस्ट को बढ़ाना, हाँ गणित लगा के चलता है कि जो भाजपा को हरा सकता है हमें उसके साथ इसको, इसको बोलते हैं गोल पोस्ट को बढ़ाना। बात हो रही थी माइनॉरिटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, अब आप बसपा उसको ले आए तो आपने उसको गोल पोस्ट को और बढ़ा दिया, बसपा की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है लेकिन एक दल के रूप में तो वो वहां पे लड़ रहा है तो इसलिए उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभी जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी में से किसके साथ जाएगा। हाँ ये बात हो रही है तो आप गोल पोस्ट को बढ़ाइए मत। नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ किसके साथ जाएगी यदि मान लीजिए वहां बीएसपी भी लड़ रही और कांग्रेस लड़ रही या सपा लड़ रही, गोल पोस्ट बढ़ाने की बात नहीं है, तो यदि हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव में किसके साथ जाएगा। राकेश जी मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, अखिलेश यादव जयंत चौधरी पर बोलना, सुनिए। उत्तर प्रदेश की $1 मिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी 1 बिलियन उसके लिए झूठ बोल चुकी है। 1 बिलियन झूठ बोलने के बाद भी उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैंने जो पहले कहा था और फिर कहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। सर आप न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है, और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहां पर यात्रा में शामिल रहूंगा। तो मंच भी साझा करेंगे सर? मैंने आपसे कहा कि जो पत्र है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप, बहुत धन्यवाद।
तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। ये भी कहा, जो अभी सबसे ताजा मुद्दा है, कि जयंत चौधरी एक सुलझे हुए इंसान है और उनको इस बात की उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई को जयंत चौधरी कमजोर नहीं होने देंगे। आत्मविश्वास जो इस बयान में दिख रहा है उससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उम्मीद जता रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, मतलब संभावनाएं शुरू हो गई। अखिलेश जी ने जो बातें कही हैं बड़ी डिप्लोमेटिक ढंग से कही हूँ, बहुत साफ साफ। जिस तरह से उनकी पत्नी ने कहा था कि नहीं नहीं वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा किसानों के आंदोलन को कोई नुकसान नहीं होने देंगे फलाना फलाना। मतलब ये बात है कि न तो मेरा ही मानना है कि उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं किया। दूसरी तरफ एक और चीज़ आपने देखा है, जब न्याय यात्रा की बात आई तो क्या कह रहे हैं, रायबरेली लखनऊ के बहुत नज़दीक है तो चला जाऊँगा। अब इसका भी मतलब आप समझ लीजिए कि न्याय यात्रा उनकी पूरे उसमें हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं चूंकि लखनऊ के नज़दीक है। तो ये मिला करके कुछ आप इधर भी सोच सकते हैं, उधर भी सोच सकते हैं, जो भी सोचना चाहें। लखनऊ के बहुत नज़दीक है रायबरेली, इसलिए चला जाऊंगा। तो ये जो नज़दीकी वाला बयान है, ये दूरी साफ दिखा रहा है इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और एसपी के बीच। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि एक तरीके से आप देखना चाहें तो ये बात सही है, अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो इसमें सवाल भी है। दूसरा तरीका ये है कि पश्चिम बंगाल की नेत्री हैं ममता बनर्जी, वो तमाम कोशिशों के बावजूद, इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन करवाए गए उनको और वो नहीं आई, और अखिलेश यादव वहाँ पर आएंगे। और मेरे ख्याल से इनकी जितनी भी जो यात्रा अभी तक हुई है उसमें सबसे बड़े नेता जो शामिल होने वाले हैं वो अखिलेश यादव होने वाले हैं, तो आप उसको उस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, जिससे आपने प्रोग्राम शुरू किया, क्या जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ जाएंगे, अगर जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीटों की अगर वो बात करें तो उनको तो बीजेपी में दो ही सीटों की बात हो रही है और एक राज्यसभा के लिए, और एक राज्यसभा की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यही तो कह रहे हैं ना कि हम कैराना के साथ मुजफ्फरनगर बिजनौर तीन सीटों पर वो अपना लड़ाना चाहते हैं, चार तो इनको मिली हुई हैं, तो दो और चार का मामला है और खुद वो राज्यसभा में हैं तो इस समय समाजवादी पार्टी की वजह से, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अखिलेश यादव ने ये एक सीख लिया है किस तरीके से, और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री काल के दौरान ही आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये सीखा है, किस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब देना है, ये उनको कला आ गई है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक अच्छी बात है उनके लिए। तो ये सिर्फ पत्रकारों को जवाब देने की कला है कि अंदर खाने जो कुछ हुआ है इनको पता चला है कि नहीं, अब तो जयंत चौधरी जा रहे हैं, ये वो कर रहा है परिलक्षित। ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है अखिलेश जी की बातचीत से कि जयंत जी के साथ जो उनकी नज़दीकी है वो थोड़ी कम हो रही है और जयंत चौधरी जा सकते हैं, इसकी संभावना आशंका अखिलेश जी को दिखाई दे रही होगी, जिसको वो किसानों के साथ, और वो रोकने के लिए जो एक कैवियट उन्होंने लगाई कि किसानों की लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन न्याय यात्रा में अखिलेश जी का जाना एक, उसको यदि हम बहुत इंडिया गठबंधन के लिए नेगेटिव तरीके से सोचे तो एक पॉजिटिव स्टेप भी है कि इंडिया गठबंधन का कोई एक बड़ा दल वहाँ पर यात्रा में शामिल हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए और उत्तर प्रदेश इतनी बड़े स्टेट में यदि अखिलेश जी के साथ, जो अभी तक हम बार बार बात कर रहे थे कि अखिलेश और कांग्रेस साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि वहाँ पर वो कुछ करें। और जब जयंत जी जा रहे हैं तो अखिलेश जी को कुछ तो चाहिए ना। अखिलेश जी का उसमें एक ये भी है कि माइनॉरिटी को एक मैसेज भी देना है कि जिस तरह से माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ आ रही है, चाहे वो कर्नाटक रहा हो तेलंगाना रहा हो, उसका भी एक अच्छा मैसेज उनके लिए जाएगा कि भाई हम और कांग्रेस साथ हैं। साथ साथ हैं, इससे सिर्फ संदेश जाएगा पर ये कि खेल कुछ और है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइनॉरिटी जो है वो आप संदेश दे देंगे तो फिर वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। कांग्रेस की माइनॉरिटी वहीं जाएगा जहां उन्हें लगेगा कि ये पार्टी जीतती हुई है। उत्तर प्रदेश में उसका बिल्कुल दूर दूर तक वो नहीं समझ में आता कि कांग्रेस जीतेगी कभी इतनी सीटें जितनी समाजवादी पार्टी जीतेगी फिलहाल। और अगर आप जी अगर आप कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ ही जाएगा, बीएसपी के साथ भी तो जा सकती है। पिछली बार माइनॉरिटी बीएसपी के साथ गई तब वो सबसे ज्यादा सीटें जीती, तो इसलिए विकल्प वहां पे भाजपा के साथ नहीं जाएगी तो उसके पास माइनॉरिटी के पास एक विकल्प उत्तर प्रदेश में है कि यदि वो सपा कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती तो वो बीएसपी के साथ भी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक है वो ये गुणा गणित लगा के चलता है। गोल पोस्ट को बढ़ाना, हाँ
वो बुरा गणित लगा के चलता है कि जो भाजपा को हरा सकता है हमें उसके साथ जाना। इसको बोलते हैं गोल पोस्ट को बढ़ाना। बात हो रही थी माइनॉरिटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, अब आप बसपा उसको ले आए तो आपने उसको गोल पोस्ट को और बढ़ा दिया। बसपा की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है लेकिन एक दल के रूप में। बात करते हैं बीजेपी के टिकट वाले मंथन। दरअसल समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रही है उत्तर प्रदेश में, और मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार यूपी में कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि 18 सांसदों के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ सांसदों की सीट बदली भी जा सकती है, यानी इस बार वो किसी सीट से लड़े अगली इस चुनाव में किसी दूसरी सीट से लड़ सकते हैं। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर भी खासा फोकस होगा, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 18 के सांसदों के टिकट कट सकते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं नीरज पांडे। नीरज, 18 सांसदों के टिकट कट सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है। जी नीरज। जी बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर टिकट काटने की और नए कैंडिडेट्स देने की प्लानिंग कर रही है और इसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो अभी मौजूदा उनके पास जो 65 सांसद उनके जीत कर आए थे उनमें से करीब 18 ऐसे सांसद हैं जहाँ पर नए चेहरे दे सकते हैं, उनके टिकट काट के कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा भी मेरी जो जानकारी है 80 जो लोकसभा की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सांसदों को इस सीट से दूसरी सीट या ये कहें कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उनके में बदलाव कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये सारी जो एक्सरसाइज कर रही है वो इसलिए कर रही है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है 80 लोकसभा सीटों वाला। नीरज नीरज मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे, थोड़ी और जानकारी दर्शकों को देते हैं यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और पता चला है कि इसी अधिवेशन के बाद यूपी में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में सबसे पहले उन 14 सीटों का जिक्र होगा जहां अभी बीजेपी के सांसद नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी क्या वहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कोई फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले आपको इन्हीं सीटों के बारे में बताता हूं, उसके बाद मौजूदा सांसदों की बात करेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जहां सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह किसी दूसरे चेहरे को उतारा जा सकता है। स्वामी दीपांकर भी इस सीट से टिकट पर जोर लगा रहे हैं। बिजनौर में कुंवर भारतेंद्र सिंह की जगह किसी दूसरे जाट चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। नगीना में यशवंत सिंह को इस बार टिकट देने पर सस्पेंस बना हुआ है। मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है जो बढ़ापुर से विधायक है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दोबारा टिकट देने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं, हालांकि सीट से यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी जोर लगा रही है। इसके अलावा पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। 2019 का चुनाव वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी यहां पर हार गई। सपा ने डिंपल यादव को यहां से आगे किया है और बीजेपी नए सिरे से यहां पर मंथन कर सकती है। अवध की बात करें तो रायबरेली में पिछली बार की तरह दिनेश प्रताप सिंह को ही रिपीट किया जा सकता है या फिर अदिति सिंह को टिकट दिया जा सकता है जो विधायक भी है। इसी तरह अम्बेडकर नगर से मुकुट विहार वर्मा को इस बार टिकट दिए जाने के चांस बहुत कम है। बीजेपी यहां कुर्मी के अलावा ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने पर भी मंथन कर रही है। श्रावस्ती की बात करें तो कम अंतर से पिछला चुनाव हारने वाले दद्दन मिश्रा फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि इस सीट से बीजेपी किसी दूसरे ब्राह्मण प्रत्याशी पर भी विचार कर रही है। पूर्वांचल की बात करें तो लालगंज सीट से नीलम सोनकर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस सीट से संगीता आजाद बीएसपी सांसद हैं जिनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी इनको ही टिकट देगी। घोसी से पिछली बार हरिनारायण राजभर को टिकट दिया गया था, अब इनका टिकट कट सकता है। दारा सिंह चौहान भी इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं जो कुछ दिन पहले ही सपा छोड़कर वापस बीजेपी में आए हैं।
इसी तरह अगर गाजीपुर की बात करें तो मनोज सिन्हा पिछला चुनाव हार गए थे, वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं और ये सीट ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा के हिस्से में जा सकती है। जौनपुर की बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार केपी सिंह को चुनाव लड़वाया था जो हार गए थे, अब ये सीट निषाद पार्टी या सुभाषपा के लिए छोड़ी जा सकती है, जिसके सिंबल पर धनंजय सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। ये मोदी का चूंकि तीसरा कार्यकाल होने जा रहा है तो ये पूरी टीम जो बनेगी मतलब लोकसभा उम्मीदवारों की वो मोदी के मन के मुताबिक होगी। पहले दो बार में वो जिन लोगों को मजबूरी में या किसी और वजह से टिकट देना पड़ा उनको या बहुत से लोगों को नहीं दे पाए चाहते हुए, वो सब बदलाव आपको दिखेगा। तो इस बार के चुनाव में जो लिस्ट आएगी बीजेपी के उम्मीदवारों की उसमें नयापन होगा ऐसा लगता है। देखिए ये तो हुई उन सीटों की बात जहां बीजेपी प्रत्याशी